हेलो गाइस आई वेलकम ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे चल रही होगी एंड क्रिसमस भी आपने सेलिब्रेट uh, किया है और कर रहे होंगे और फेस्टिव सीजन आ ही रहा है आगे भी आपको अभी uh, कुछ uh, खुशनुमा माहौल आगे आपको अभी नया साल आने वाला है उसके बाद फिर आपको नई नई चीज़ें आपको करनी है आपको अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको कैरियर को बनाए तो क्या इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरा कंप्लीट जो स्पीडी का करंट अफेयर है एक साल का जनवरी 2022 से लेकर एक दिसंबर 2022 तक इसके 800 हंड्रेड को देखने वाले हैं 800 हंड्रेड प्लस एम है उससे कम नहीं है एक एक करके बड़े ध्यान से सुनिएगा कि क्योंकि ये वही एम सी क्यू जो आपके एग्जाम में आते हैं तो फोकस आपका हटना नहीं चाहिए बहुत अच्छे से फोकस बनाइए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए उसके आंसर को ध्यान से सुनिए और ट्राई करें कि एक से ज़्यादा बार देखें इस वीडियो को ताकि आपको जो है आ, मतलब आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ आज एक बार देख लो और फ्यूचर विद इन सेवन डेज एक बार और देख लेना और एग्जाम से पहले एक बार और देख लेना आप डेफिनेटली आपके ये कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाएगा पहला क्वेश्चन है विच इंडियन जूलॉजिस्ट हैज़ रिसेंटली रिसीव द यू एन ई पी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ये जो जुलज जुलॉजिस्ट हैं इनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन आंसर है इसका पूर्णिमा देवी वर्मन यही वो जुलॉजिस्ट हैं जिन्होंने रिसेंटली लिया है यू एन ई पी यू एन ई पी क्या होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायमेंटल प्रोग्राम इसका एक चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है ये अवार्ड पी एम साहब को भी मिल चुका है तो अभी इस साल वाला जो है किसको मिला ये पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन रिसेंटली विच वर्ड हैज़ बिन चूजेज चूजन बाई कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज वर्ड ऑफ द ईयर तो मैंने ये एक ट्रेंड बन रहा है मैंने देखा भी है कि वर्ड ऑफ द ईयर आजकल पूछा जा रहा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एंड सो ऑन ऐसी डिक्शनरी जो मतलब वर्ल्ड में फेमस है जो कि वर्ड को चुनती हैं वर्ड ऑफ द ईयर उसमें कैम्ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसने जो वर्ड चुना है उसका नाम है होमवर होमर ये वर्ड है होमर विच स्टार फुटबॉलर हैज़ लेफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड रिसेंटली तो रिसेंटली ये छोड़ा है किसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेफ्ट कर दिया है कुछ फुटबॉलर बहुत ही अच्छे फुटबॉलर है काफ़ी अच्छा गेम खेलते हैं उनमें एक बड़ा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसके अलावा एम एक बहुत अच्छा प्लेयर उभर के आ रहे हैं एम फ्रांस के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो कौन नहीं जानता लियनन मेसी को कौन नहीं जानता है तो ये सब कुछ फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी हु हैज़ ऑनर्ड विद द प्रिस्टीजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड तो ये डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड गाइज दिया गया है रवि कुमार सागर को रवि कुमार सागर वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है आंसर क्या होगा दोस्तों आंसर है इसका सिक्सटी फर्स्ट सिक्सटी फर्स्ट जो है रैंक इंडिया की है विच कंट्रीज़ पार्लियामेंट हैज़ पासड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया तो देखिए इंडिया का ना बाइलेट्रली बहुत सारे कंट्रियों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है जो टैरिफ वगैरह है वो नहीं लगाते हैं दोनों दो देश एक दूसरे से अगर कर ट्रेड करते हैं तो तो चीज़ें जो रेट अच्छे भाव में मिल जाती है दोनों देशों को और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है तो एफ जो है इंडिया ने रिसेंटली किसके साथ साइन किया है ये साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर In which state uh, was the integrated fire power exercise, शत्रुनाश शत्रुनाश organized by Indian Army recently? तो ये किया गया है uh, राजस्थान में शत्रुनाश जो है ये एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है शत्रुनाश ये किया गया है राजस्थान में इन विच कंट्री was द सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज by इंडियन एम्बेसी तो ये हुआ है गाइज कहाँ पे ये हुआ है साउथ कोरिया में साउथ कोरिया में रिसेंटली व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज फॉर द ईयर 2023 आंसर है इसका बी एट्थ एट्थ रैंक हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड इन द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर द ईयर ट्वेंटी तो ये अर्जुन अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है कितनों को ये दिया गया है पच्चीस प्लेयर्स को, को दिया गया है पच्चीस प्लेयर्स को दिया गया है वॉट इज द थीम ऑफ ट्वेंटी फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस को लेकर एक ट्वेंटी फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है इसका थीम पूछा जा रहा है गाइज तो इसका थीम क्या था इसका थीम था ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर नेक्स्ट है हुज़ बीन ऑनर्ड विद द जे सी बी प्राइज फॉर लिटरेचर ट्वेंटी ट्वेंटी टू जैसी भी प्राइज जो है लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है ये किसको दिया गया है 2022 का यानी कि लेटेस्ट वाला तो ये दिया गया है खालिद जावेद को खालिद जावेद को ये दिया गया है वेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो हर साल मनाया जाता है इस किस तारीख को ये तारीख है चौदह नवंबर विच क्रिकेट टीम हैज़ रिसेंटली वन आई सी सी मेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टाइटल तो इस बार का टाइटल किसने जीता है इस बार का टाइटल इस बार भी कह दूँ तो अच्छा होगा इस बार भी जीता है इंग्लैंड हराया किसको पाकिस्तान को इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा के टाइटल जीत लिया इंडिया के काफ़ी प्रबल दावेदार दावेदारी थी लेकिन इंडिया की दावेदारी को चकनाचूर कर दिया गया सेमीफाइनल में इंडिया आउट हो गई और फाइनली जो इंडिया इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ जहाँ इंग्लैंड हार जीत गई पाकिस्तान को हरा के वर्ल्ड कप जीत लिया हुज़ बीन ऑनर्ड विद प्रिस्टीजियस सुमित्र चरत सुमित्र चरत राम अवार्ड ये किसको दिया गया है ये दिया गया है किसको उमा शर्मा को उमा शर्मा उमा शर्मा इज द राइट आंसर हुज़ प्रिपेयर्ड द फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ अटलांटिक ओशियन ओशियन फ्लोर रिसेंटली तो ये uh, जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है मेरी सॉरी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया साइंटिफिक मैप ये किया है मैरी थार्प ने मैरी थार्प इज द राइट आंसर हु हैज बीन नेम्ड एज इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर एट इफी 2022 इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया है ये दिया गया है गाइस चिरंजीवी को जो कि एक साउथ के एक्टर हैं हु हैज बिन रिसेंटली ऑनर्ड विद द गांधी मंडेला अवार्ड ट्वेंटी तो ये दिया गया है गाइज किसको दलाई लामा साहब को गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा साहब को दिया गया है विच टू राइटर्स हैव है थर्टी फर्स्ट एंड थर्टी सेकेंड बिहारी पुरस्कार तो ये दो राइटर हैं मधु कंकड़िया एंड माधव हाड़ा मधु कंकड़िया एंड माधव हाड़ा फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज़ एक्वायर्ड द चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये ये जो चेयरमैनशिप था किसी और कंट्री के पास था वहां से इंडिया के ऊपर ट्रांसफर हुआ है ये हुआ है फ्रांस से हमें मिला है आंसर होगा फ्रांस चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन है हु हैज़ वन द ट्वेंटी ट्वेंटी टू ए टी पी हु ट्वेंटी ट्वेंटी टू ए टी पी फाइनल फाइनल्स सिंगल्स टाइटल तो ये जीता है गाइज किसने जीता है ये ये जीता है नोवाक जोकोविच ने विच ऑफ़ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज एग्रीड टू सेटअप स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड तो ये जो है ये नन अदर दैन दे कोप ट्वेंटी सेवन है ये जो स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड होता है ना ये गाइज एल डी सी कंट्रियों के लिए होता है एल डी सी कंट्री ऐसी कंट्रियाँ होती हैं जो कि लीस्ट डेवलॉप्ड हैं वर्ल्ड में हुज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी ये कौन बनी है आ, ये बनी है तेईस नंबर का सही आंसर होगा डी फर्स्ट वुमेन जो है ये बनी है लांस नायक मंजू विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द इवेंटी ट्वेंटी टू ये जीता है गाइस किसने मुंबई ने मुंबई इज द राइट आंसर वेन इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ये मनाया जाता है कब मनाया जाता है सत्रह नवम्बर को हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू एथेंस कमीशन सॉरी एथलीट्स कमीशन ऑफ आई टी टी एफ तो ये इसका सही आंसर होगा छब्बीस का बी सरत कमल सरत कमल विच स्टेट हैज बिकम द ओवरऑल टीम चैंपियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 आंसर होगा इसका सत्ताइस का सही आंसर क्या होगा डी मणिपुर कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट कामेंग जो जगह है वो कहां पे है उसी से आपको पता चल जाएगा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे एक हाइड्रो पावर स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन ए मेडल इन द एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट इसका सही आंसर होगा गाइज़ ए मनिका बत्रा सबसे अच्छी प्लेयर हैं आज के डेट में इंडिया की टेबल टेनिस के मामले में वुमेंस में खासकर विच कंट्री हैज गिवन एक्सेप्शन टू एक्जेपन टू इंडियन सिटीजन टू सबमिट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर अपटेनिंग वीजा ये एग्जेपन दिया है भारतीय नागरिकों को किस किसने ये दिया है सऊदी अरेबिया ने सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर इंडिया होस्टेड लीड आई टी समिट विथ विच कंट्री ऑन द साइड लाइन ऑफ कॉप ट्वेंटी वन इन इजिप्ट यह होस्ट किया है लीड आई टी विथ इंडिया ने किसके साथ uh, होस्ट किया है तो आंसर है बी स्वीडन के साथ मिलकर स्वीडन इन विच सिटी फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस इज बिंग ऑर्गेनाइज तो इसका आंसर होगा बी आबूधाबी आबूधाबी इज द राइट आंसर मून रॉकेट आर्टेमिस मून का जो रॉकेट है मून पे एक रॉकेट भेजा जा रहा है आर्टेमिस वन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच कंट्री तो आर्टेमिस वन को जो लॉन्च कर रहा है उसका नाम है नासा और नासा कहाँ पड़ता है नासा पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यू एस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेम्बर ऑफ नीति आयोग आंसर होगा इसका थर्टी का सी अरविंद बिरमानी अरविंद बिरमानी स्टेट हेज इम्प्लीमेंटेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शड्यूल्ड एरिया पेशा एक्ट थर्टी फाइव का सही आंसर होगा पेशा एक्ट ये आंसर है मध्य प्रदेश हुन अपॉइंटेड एज फ्रेंडशिप एम्बासडर ऑफ द स्विट्जरलैंड टूरिज्म थर्टी सिक्स का राइट आंसर इज डी नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर वेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड सेलिब्रेटेड सो दिस हैज बिन सेलिब्रेटेड ऑन द फिफ्टींथ नवम्बर According to United Nations uh, estimates, uh, what is the global population by November 2022? So the correct answer is C 8 billion. When is the National Press Day celebrated every year? Answer 39th ka B 16th November. Who has been elected as chairman of Athletes Commission of Indian Olympic Association? 40th ka right answer, Maricom. Who will be given Major Dhyanchad Khel Ratna Award 2022? Answer is Sarath Kamal Achanta. Who will be honored with the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award 2022? Answer is Carlos Sora. Who has been named the player of the tournament in ICC Men's T20 World Cup 2022? 43rd correct answer is C. Sam Karan. Which group has launched a uh, one point four billion fund to tackle the next global pandemic? So this group is uh, none other than G twenty. G twenty. Who has been awarded the Royal Order of Merit for of Britain for his distinguished service to science? Its correct answer will forty five. C. Benki Ramakrishnan. Benki Ramakrishnan has been awarded the Royal Merit of the. रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ ब्रिटेन फॉर हिज डिस्टिंग सर्विस टू साइंस हुट द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सही आंसर होगा फोर्टी सेकेंड का फोर्टी सिक्स का रिलायंस इंडस्ट्रीज विच कंट्री हैज बीन रिमूव्ड बाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट आंसर इज गोइंग टू बी इंडिया इंडिया को रिमूव uh, कर दिया गया है यूएसए के द्वारा फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट रिस्पायरेटरी साइंस डेटा आंसर होगा फोर्टी एट का सी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इन विच सिटी हैज द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ साउथ इंडिया बिन फ्लैग्ड ऑफ सो दिस हैज बिन डन इन बैंगलोर पहला इंडिया का वंदे भारत एक्सप्रेस साउथ इंडिया का फ्लैग ऑफ किया गया है बेंगलोर से विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा पचास का ए इंडिया इंडिया विल होस्ट द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विच सिपियार्ड कंपनी विल बिल्ट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूअल सेल कैटामेरन uh, वेसल तो ये सिप्यार्ड है कहाँ की ये सिप्यार्ड है गाइज कहाँ की है ये ये है बी कोचिंग सिप्यार्ड हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया स्लोवेनिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट हैं नताशा पर्क मुसेर विच कंट्री विल होस्ट अंडर नाइनटीन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अंडर नाइन्टीन का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कौन होस्ट करेगा तो ये करेगा फिफ्टी थ्री का श्रीलंका uh, आंसर होगा श्रीलंका विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड मिलेट डे ऑन नवंबर टेन ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू प्रमोट द कल्टिवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ क्रॉप इसका आंसर होगा डी उड़ीसा उड़ीसा इज द राइट आंसर रिसेंटली हुज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स ये नए चेयरमैन साहब हैं किशोर बासा किशोर बासा रिसेंटली हुज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये भी एक अच्छा सवाल है आंसर क्या होगा रितुराज अवस्थी न्यू चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रितुराज अवस्थी विच एयरोस्पेस कंपनी विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इंडिया ने पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट भी आ, ले आ रही है इंडिया वो कौन लॉन्च करेगी कौन सी एरोस्पेस कंपनी है तो फिफ्टी सेवन का राइट आंसर विल बी डी नाम है इसका जलेबी बाई स्काई रूट एरोस्पेस इन विच स्टेट ए बिल हैज हैजिन पास टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर पुअर बैकवर्ड क्लासेस टू सेवेंटी सेवन परसेंट वेरी इंपॉर्टेंट सतहत्तर परसेंट वी आर रिजर्वेशन देना पुअर और बैकवर्ड क्लासेस को एक बिल आया है अभी ये बिल पास होगा होगा कि नहीं देखेंगे ये है झारखंड हु इंडक्टेड इन टू द आई सी सी हॉल ऑफ फेम ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ये क्रिकेटर का नाम क्या है इस क्रिकेटर का नाम है श्रीनिवा uh, शिव नारायण चंद्रपोल ये वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट हैंड प्लेयर हैं रिटायर हो चुके हैं इनको इंडक्ट कर लिया गया है आईसीसी हॉल ऑफ द फेम 2022 में विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू इन्वॉल्व रिटायर्ड आर्मी वेटनर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ ए स्टेट पुलिस पर्सनल सिक्सटीथ का सही आंसर होगा बी आसाम अरुणा मिलर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूएस स्टेट का सही आंसर होगा मैरीलैंड 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 इज द राइट आंसर विच इज द ओनली इंडियन कंपनी टू फीचर इन द टॉप हंड्रेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर्स रैंकिंग ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये कंपनी है बासठ नंबर का आंसर होगा सी रिलायंस इंडस्ट्री सो रिलायंस इंडस्ट्री इज़ द ओनली इंडियन कंपनी टू फीचर इन द टॉप हंड्रेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 हजार इसरो इज प्लानिंग टू एक्सप्लोर द सैडो साइड ऑफ द मून जो कि जनरली लोग नहीं एक्सप्लोर करते हैं एंड दिस इज इन द कोलाब्रेशन विद द विच कंट्री एक सवाल है किस कंट्री के कोलाब्रेशन के, के साथ इसरो जो है डार्क जो साइट है उसको सैडो साइट जो मून का है उसको एक्सप्लोर करेगी तो इसका आंसर है जापान विच वर्ड हैज़ बिन डिक्लेयर एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 ट्वेंटी टू बाई कॉलिंस डिक्शनरी तो देखिए कैम्ब्रिज तो हमने देख लिया था अब कॉलिंस से बनाना डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है तो ये इसका आंसर है सी परमा परमा क्राइसिस विच कंट्री हैज़ ऑपरेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन तो ये बन गई है कंट्री कौन सी ये बन गई है डी स्विट्ज़रलैंड। मेजर मेजर हैज़ अपॉइंटेड हुम एज ग्लोबल एम्बासडर ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव। 66 का राइट आंसर इज बी लियन मेस्सी वट इज द थीम ऑफ इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्या थीम रखेगा इंडिया जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी करते समय इंडिया की जी ट्वेंटी की थीम क्या होगी इंडिया प्रेसिडेंसी करेगा दो हज़ार तेईस में तो इसका सही आंसर होगा ए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर द मदर लीग द मदर लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया एम टी एस आई हैज बीन ऑर्गेनाइज बाई विच मिनिस्ट्री अब यार लैंग्वेज से रिलेटेड है तो क्या आंसर होना चाहिए अड़सठ का आंसर होगा ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बाय हुम हैज द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट बिन रिलीज कौन रिलीज करता है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 का जो रिपोर्ट आता है वो कौन रिलीज किया है इस बार तो इस बार का जो है वो रिलीज किया है डब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट देखें हु हैज बिकम द फर्स्ट जी सेवन लीडर टू विजिट चाइना इन थ्री इयर्स ये भी एक अच्छा सवाल है ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में आंसर है ओलाफ स्कोल्स जर्मन चांसलर है ये ओलाफ स्कोल्स

विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज रिस फी फॉर वेरीफाइड अकाउंट सेवेंटी थर्ड का आंसर इज ट्विटर हु कर्नाटक रत्न अवार्ड पोस्थोमस्ली हु कर्नाटक रत्न अवार्ड पोस्थोमसली सेवेंटी फोर्थ का राइट आंसर इज डी पुनीत राजकुमार पुनीत राजकुमारी एक्सपायर भी कर गया बेचारा बहुत यंग एज में ही इनका देहांत हो गया विच स्टेट हैज नाउंस्ड चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन तो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो है ये अनाउंस किया है उड़ीसा ने हु हैज बिन अवार्डेड द फ्रेंड्स ऑफ लाइव लिब्रेशन वॉर ऑनर बाई बांग्लादेश तो इसका आंसर होगा एडवर्ड एम केनेडी इंडियाज फर्स्ट एकुआ पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट पहला इंडिया का एकुआ पार्क सेटअप किया जाएगा कौन से स्टेट में तो सेवेंटी सेवन का आंसर होगा बी अरुणाचल प्रदेश में ये सेटअप किया जाएगा इन विच स्टेट द फर्स्ट डेटा सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज़ है पहला डेटा सेंटर नॉर्थ इंडिया का सेटअप किया गया है कहाँ पे तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में हु हैज़ हैजिन अपॉइंटेड एज कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर द अपकमिंग टी ट्वेंटी सीरीज इन न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में ये सीरीज हो भी गई है रोहित शर्मा जगह पे हार्दिक पांड्या को ये किया गया था हार्दिक पांड्या इज द राइट आंसर विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसिव इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन कौन सी कंपनी को दिया गया है एटीएथ का करेक्ट आंसर इज डी टाटा स्टील टी पी राजीवन हु पास अवे ऑन सेकेंड नवंबर वाज फेमस इन विच फील्ड टी पी राजीवन वो पास अवे ऑन सेकेंड नवंबर वॉज फेमस इन विच फील्ड ये फील्ड है इनका राइटिंग राइटिंग इज द राइट आंसर विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम द नंबर वन टी ट्वेंटी बैट्समैन इन द वर्ल्ड नंबर वन टी ट्वेंटी बैट्समैन बन गए हैं सूर्य कुमार यादव साहब वॉट इज द थीम ऑफ सेवंथ इंडिया वाटर वीक वाटर से रिलेटेड है तो सस्टेनेबल डे डेवलपमेंट एंड इक्विटी नहीं होगा ये तीनों में से एक होगा तो सही आंसर है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी नेशनल इंटीग्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन ओकेजन ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी नेशनल इंटीग्रेशन डे भारत जोड़ो दिवस uh, नेशनल इंटीग्रेशन डे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्योंकि इन्होंने ही जो प्रिंसली स्टेट नहीं जोड़ रहे थे उनको जोड़ने का काम किया हु हैज़ वन द फीफा अंडर सेवेंटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू टाइटल ये टाइटल जीत लिया है स्पेन ने इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप हैज़ बिन ऑर्गेनाइज इन विच सिटी सो दिस हैज़ बिन ऑर्गेनाइज इन द सिटी ऑफ श्रीनगर फ्लोटिंग है तो भैया डल झील में ही होता है यह सब विच इंडियन फिल्म विल मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड रिफाइनरी आंसर एटी सेवन का ए मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मैंने शायद फिल्म बोल दिया फिल्म नहीं फॉर्म है विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन द फ्रेंच ओपन मेन्स डबल टाइटल इन बैडमिंटन ये जीता है इंडियन प्लेयर्स हैं इनका नाम है स्वात सत् uh, स्वास्तिक साईराज रेनकी रेड्डी और चिराग सेट्टी सात्विक साईराज रेनकी रेड्डी एंड चिराग सेट्टी ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं दोनों खिलाड़ी नए भी हैं युवा हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट बाय विच ईयर विल ग्लोबल एमिशन बी एट देयर हाईएस्ट लेवल एटी का करेक्ट आंसर ट्वेंटी In which state of India the Oriental Rail Corridor has been launched? This has been launched in Haryana. Which airport in India has been declared as tenth biggest airport in the world? Tenth biggest airport in the world, Indira Gandhi International Airport, IGI, Delhi. Which state of India celebrated its foundation day on November 9, 2022? 92nd Kasai answer. Hoga. C. Uttarakhand. Which country will become the first country in Pacific region to host the World Hindi Conference? Answer Fiji. Which state or union territory has launched the Samruddhi tax waiver scheme? Answer C. Delhi. Who has been awarded the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought? 95th answer is Peoples of Ukraine. Yes, politics here. Which state has recently been declared as 100% Harghar Jal state? Gujarat. Which country has recently passed the Plain Language Act? Plain Language Act. आंसर इज नाइंटी सेवन का ए न्यूजीलैंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम फॉर द एफ आई एच प्रो लीग ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी आंसर ए हरमनप्रीत सिंह विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली बिन टेकन ओवर बाई टेस्ला चीफ एलोन मस्क तो ये खरीद लिया है ट्विटर को ट्विटर ट्विटर नाइनटी नाइन का आंसर होगा ए ट्विटर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल तो जगदीप धनखड़ साहब को बना दिया गया प्रेसिडेंट तो भैया गवर्नर का तो पोस्ट वहाँ पर खाली हो गया किस को बनाया सी वी आनंद बोस को रिसेंटली हुज़ बिकम द ब्रांड एम्बासडर ऑफ़ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड अंधे भी क्रिकेट खेल रहे हैं और ये मैच कभी देखा है कि नहीं पता नहीं उतने अंधे नहीं होते हैं बिल्कुल अंधे नहीं होते हैं थोड़ा कम दिखता है इनको मारते हैं शॉर्ट एकदम तगड़े वाले फील्डिंग भी करते हैं बॉल की तरफ भागते भी हैं तो ये ऐसा मत सोचला अंधे कैसे खेलेंगे तो ब्रांड एम्बासडर की बात कर रहे थे सब तो बकवास हो गया आंसर होगा युवराज सिंह रिसेंटली हु ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज विच होना चाहिए रिसेंटली विच अच्छा हु ऑफ द इंडियन ओरिजिन द न्यू प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन तो भैया ऋषि सुनेक साहब बहुत जवान आदमी है और बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन के हैं ये और बन गए हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर गर्व की बात है हमारे लिए रिसेंटली उल्फ क्रिस्टर सन बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूरोपियन कंट्री तो ये जो है स्वीडन है रिसेंटली रिलीज हुरून इंडिया लिस्ट ऑफ डोनर्स फॉर द इ्वेंटी ट्वेंटी डोनर मतलब सबसे ज़्यादा दान देने वाले हुरून इंडिया के लिस्ट के हिसाब से तो ये बन गए हैं दानी साहब कौन हैं दानी राजा शिव नाडर विच कंट्री हैज़ बिन रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ़ हाई रिस्क कंट्री बाई फैट एफ फैट होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में डाला गया है किसको म्यांमार को फर्स्ट इंडियन रेस्लर टू विन ए गोल्ड मेडल इन अंडर ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप तो ये अंडर ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियन में इंडियन फर्स्ट इंडियन रेस्लर जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले बन गए हैं अमन सेहरावत विच कंट्री हैज बिन इंक्लूडेड इन द टॉप ट्वेल्व चेस प्लेइंग नेशंस फॉर द मेन्स टी ट्वेंटी 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 टू वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप आंसर क्या होगा एक साथ का करेक्ट आंसर इज डी इंडिया हाउ मैनी सेटेलाइट हैबिट बाई इसरोज हैवीएस्ट रॉकेट एल एम एल वी एम थ्री एम टू इसरो का ये हेवीएस्ट रॉकेट है तो ये नंबर जो है वो क्या है ये नंबर है बी थर्टी सिक्स रिसेंटली हुज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रिवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ तरुण बजाज तो ये बनाया गया है ए संजय मल्होत्रा साहब को रिसेंटली हुम वो हैज बिन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बी सी सी आई बी सी सी आई का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है रोजर बिन्नी को स्टूअर्ट बिन्नी रोजर बिन्नी नाम याद है ना जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से नंबर के तो ये बन गए हैं पचासवें एक सौ ग्यारह का आंसर होगा पचासवें बहुत अच्छा नंबर है पचासवा फिफ्टी लग गई सी जी आई की हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यू एस एम्बासडर टू इंडिया यूएस के इस एम्बासडर इंडिया के लिए कौन नियुक्त किए गए हैं तो इनका नाम है भाई साहब का एलिजाबेथ जोन्स विच स्टेट हैज सिक्योर द फर्स्ट पोजिशन इन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एक अवार्ड इससे रिलेटेड दिया गया था 2021 के हिसाब से फर्स्ट प्लेस पे है उत्तर प्रदेश रिसेंटली विच मेल फुटबॉलर हैज रिसिव्ड द बैलन अवार्ड फॉर द ईयर 2022 तो ये तो यार एक ही खिलाड़ी हो सकता है फुटबॉलर रॉबर्ट लेवानदो वस्की है क्या एक सौ चौदह का आंसर क्या होगा? नहीं यार इस बार चेंज हो गया करीम बेंजेमा याद रखना करीम बेंजेमा इन विच ईयर इज इसरो प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान थ्री तो इसरो सोच रहा है प्लान कर रहा है कि दो हजार तेईस तक चंद्रयान थ्री को लॉन्च कर देंगे इन विच स्टेट विल द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री भी ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया फिफ्थ नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स फिफ्थ नंबर का ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया जाएगा यह किया जाएगा बी मध्य प्रदेश में अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच कंट्री हैज़ द हाइस नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये जो है भैया बहुत ही शॉकिंग न्यूज है ये है इंडिया इंडिया ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया टॉप पे है हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर्स के मामले में बेस्ट सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ डिक्लेयर्ड ए पब्लिक स्कूल हॉलीडे ऑन दिवाली फ्रॉम द ईयर 2023 तो ये है न्यूयॉर्क हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड ऑफ बंधन बैंक बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बासडर चुने गए हैं सौरभ गांगुली अमिताभ बच्चन भी रह चुके हैं इसके वेन इज वर्ल्ड वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ईयर दो हज़ार एक सौ बीस का आंसर हुआ सिक्सटीनथ अक्टूबर अब्दुल लतीफ रसीद हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री ये बन गए हैं बी इराक के इराक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं अब्दुल लतीफ रसीद विच कार मैनुफैक्चरर हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट फ्यूएल फ्लेक्स इंजन कार ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसका नाम क्या है डी टोयोचा रिसेंटली विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज तो ये बन गई है बी मधेरा गुजरात इंडिया की पहली सोलर पावर्ड विलेज बन गई है विच स्टेट हैज़ लॉन्च ए वेबसाइट लिस्टिंग द मोस्ट पॉलिटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स ये स्टेट कौन सी है ये स्टेट है झारखंड

सेप्टेंबर 2022 आंसर होगा हरमनप्रीत प्रीत कौर बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं बैट्समैन हैं रिसेंटली विच मेल क्रिकेटर हैज़ बीन अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में तो ये सितंबर में दिया गया है सूर्य कुमार यादव आई थिंक देख लेते हैं आंसर नहीं मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं ये रिसेंटली हाउ मेनी पीपल्स हैव द नोबेल प्राइज फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन द फील्ड ऑफ इकनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये नंबर है तीन तीन लोगों को दिया गया है अगला सवाल देख लेते हैं इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च मिशन लाइफ मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया है किस स्टेट में ये स्टेट है गुजरात एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज़ बीन इनागरेटेड इन विच स्टेट ये इंडिया का लार्जेस्ट है कंप्रेस्ड बायोमास बायोगैस प्लांट ये इनोग्रेट किया गया है पंजाब में पंजाब इज द राइट आंसर हु हुज बीन नेम्ड एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू डिफेंस सेक्रेटरी आंसर होगा अजय भट्ट द ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक कंसल्टेंसी हैज बीन लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द रेजिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड बाई इंडियन एयरफोर्स ऑन एट्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ये उन्नीस सौ बत्तीस से जोड़ोगे ना गाइस उन्नीस तो सौ से लेकर उन्नीस दो ये नब्बे साल निकल रहा है गाइस नब्बे साल निकल रहा है आंसर होगा नाइनटीथ रिसेंटली एलेस बियाल्स की एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैव नोबेल है ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन विच फील्ड तो ये नोबेल प्राइज दिया गया है किस फील्ड के लिए इनको दिया गया है वन थर्टी फाइव का क्या आंसर होना चाहिए बी पीस के लिए रिसेंटली हु हैज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो लिटरेचर के लिए ये दिया गया है एनी आमोक्स को हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई द द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू डिप्टी चीफ इलेक्शन डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चीफ नहीं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के लिए चुना गया अजय भद्दो को हाउ मेनी साइंटिस्ट है ट्वेंटी ट्वेंटी टू नोबेल पीस नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फिजिक्स के क्षेत्र में कितने साइंटिस्ट को दिया गया है तो ये साइंटिस्ट की जो नंबर है वो है थ्री थ्री इज द राइट आंसर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है who has uh, been elected who has been elected as uh, the president and co-chair of international solar alliance so answer is 139 ka a india and uh, france answer is a india and france who has been appointed as the new controller general of accounts 140 ka correct correct answer Bharti Das. Bharti Das is the right answer in which state is the national maritime heritage complex being built सो so आंसर होगा एक सौ इकतालीस का क्या आंसर होगा वन फोर्टी वन का करेक्ट आंसर इज सी गुजरात नेक्स्ट है हु वन इंडियाज फर्स्ट ग्रीको रोमन मेडल इन अंडर ट्वेंटी थ्री रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप वन फोर्टी टू का करेक्ट आंसर इज ए साजन भानवाला वट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड प्रिजनर्स पोर्टल फॉर पेंशनर्स लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेक्ट आंसर वन फोर्टी थ्री का डी फ्यूचर इन द क्लीनेस सर्वे ऑफ ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच हैज़ बिकम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द सिक्स टाइम इन अरो तो ये एक ही सिटी है जो लगातार जीतते हुए आ रही है इसका नाम है इंदौर हु बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सी बोलते हैं इसको सी का नया जो है वो बने हैं डायरेक्टर जनरल सुजोए लाल थाउसेन सुजोए लाल थाउसेन रिसेंटली हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर द ईयर 2022 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन तो मेडिसिन के फील्ड में दिया गया है आंसर होगा स्वांते पाबो को

चालीसवां रिसेंटली चंडीगढ़ एयरपोर्ट हैज़ बिन रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर ये फ्रीडम फाइटर का नाम है भगत सिंह अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम है भगत सिंह एयरपोर्ट हुज़ रिसेंटली बिकम द सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सी डी एस जिसे बोलते हैं इंडिया का तो ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हुज़ वन द बुकर प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी टू बुकर प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी टू दिया गया है सिहान करुणा तिलक तिलका को सिहान करुणा को ठीक है गाइस नेक्स्ट है हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वूमेन हर्डलर हर्डलर टू ब्रेक द हंड्रेड मीटर हर्डल्स इन थर्टीन सेकेंड तो ये बन गई हैं ज्योति यारा जी ज्योति यारा जी लिविंग प्लानेट रिपोर्ट आया है 2022 का हैज बिन रिलीज बाई विच इंस्टीट्यूट ये इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड वाइड फंड वर्ल्ड वाइड फंड विच इंडियन सिटी हैज वन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, ट्वेंटी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया हैदराबाद को द फिफ्थ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बींग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री ये कंट्री है इज़ 155 का कर करेक्ट आंसर होगा डी इंडिया इन विच इंडियन लैंग्वेज द ऑफ इंडिया कोर्स एम बी बी एस कोर्स बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इसका आंसर है हिंदी हिंदी इज द करेक्ट आंसर ऑन विच रूट वंदे भारत बेस्ट फ्रेट सर्विस इज बिंग स्टार्टेड तो ये रूट का नाम है दिल्ली मुंबई रूट दिल्ली मुंबई रूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पी एम डिवाइन स्कीम इज फॉर द डिवलपमेंट ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया पी एम डिवाइन जो है ये लॉन्च किया गया है फॉर द डिवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न

इंडिया नाइन्टीथ इंटरनेशनल जनरल असेंबली होस्ट कर रही है इंडिया वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू एक सौ सातवा रैंक है भारत का भारत का रैंक है एक सौ सातवा ये गिरा है रैंक खराब हो रहा है लगातार इन विच आई आई टी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ लॉन्च परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी ये हमारे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा साहिबा के द्वारा लॉन्च किया गया है आई आई में पीएम नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन विच स्टेट इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश इन विच कंट्री इन विच कंट्री वॉज द सिक्स समिट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर्स इन इंडिया इन एशिया हेल्ड ये हुआ है कजाकिस्तान में रिसेंटली इन विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एन इकोसिस्टम द ट्रैपिंग जोन ये ट्रैपिंग जोन जो है ये डेवलप किया गया है मालदीव्स में इंडिया हैज़ वन द ब्रोंज मेडल बाई डिफिटिंग विच कंट्री इन आई एस एस एफ वर्ल्ड चैम्पियंसिप ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो इसमें भारत ने हराया किसको भारत ने हराया है जर्मनी को विच कंट्री हैज़ रिसेंटली

महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड तो ये जो टेम्पल है ये लोकेटेड है उज्जैन में विच एक्डमिशन हैज़ वन द यू एज टॉप आल्टरनेटिव मेडिसिन अवॉर्ड यह दिया गया है वजाहत हुसैन को वजाहत हुसैन हुज़ वन द यूनाइट नेशन ह्यूमन ह्यूमन काउंसिल ऑफ रिफ्यूजी नानसन रिफ्यूजी अवार्ड फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ये दिया गया है एंजेला मर्कल को हुज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ यू ए पी ए ट्रिब्यूनल बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये बनाया गया है दिनेश कुमार शर्मा को यू ए पी ए का ट्रिब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है ये यू ए पी ए ठीक है विच स्टेट हैज़ लॉन्च एंटी डस्ट कैंपेन टू कंट्रोल एयर pollution? तो ये state का नाम है दिल्ली Which company has got India's first micro category drone certification? तो ये company का नाम है Asteria Aerospace Limited। Who has won the शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2022? ट्वेंटी टू ये जीता है यूंग टांग ने यून टांग ने जस्टिस पंकज मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाईकोर्ट ये अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान राजस्थान हाईकोर्ट टेली मानस इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच हेल्थ सर्विस तो ये हेल्थ सर्विस का नाम है मेंटल हेल्थ सर्विस विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट कादाबूर सिलेंडर लॉरी सेंचुरी इसका आंसर होगा तमिलनाडु च कंट्री हेज लॉन्स्ड कफाऊ वन सेटेलाइट टू अनवल द मिस्टिरीज ऑफ द सन इसका आंसर है बी चाइना विच कंपनी हैज़ मैनुफैक्चर द इंडिया मेल मेड ड्रोन ड्रोन ये किया है गरुड़ा एयर एयरस्पेस ने इन विच कैटेगरी कैरोन बर्टोजी मॉर्टन मेलडिल के बेरी सार्पलेस ज्वाइंटली जॉइंटली वन द ट्वेंटी ट्वेंटी टू नोबेल प्राइज तो ये कैटेगरी है इज़ केमिस्ट्री विच कंट्री हेज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड ये कंट्री का नाम है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई है इंडिया ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है हुज़ बिकम द फर्स्ट अमेरिकन बॉर्न वुमन टू ट्रेवल इन अ स्पेस इनका नाम है एक सौ चौरासी का सी निकोल मान निकोल मान इन विच स्टेट वाज द विशाल किसान सम्मेलन विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड कोऑपरेटिव इंडिया ये किया गया है हरियाणा में हु हैज़ बीन मेड नेशनल आइकॉन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल आइकन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर मेड इन इंडिया मोटर बाइक टू विच कंट्री एज बायलेटरल ट्रेड लेबनान आंसर होगा लेबनान विथ विच कंट्री इंडियन नेवी हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन शिपिंग वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ये साइन किया है इंडिया ने किसके साथ ये साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ हर स्टार्ट हर स्टार्ट इज़ ए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाई विच यूनिवर्सिटी तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है गुजरात यूनिवर्सिटी हुन ट्वेंटी ट्वेंटी टू नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी तो इस क्षेत्र में दिया गया है संवंत पापो को विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बिन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये दिया गया है विवेक लाल को विवेक लाल इज़ द राइट आंसर वट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर एल सी एच होना चाहिए इंडक्टेड इन टू इंडियन एयरफोर्स इसका नाम है क्या नाम है इसका नाम है प्रचंड विच स्टेट देखिए ध्रुव जो है ना इसका नाम है ए एल एच ए एल एच होता है ध्रुव एल एच होता है एडवांस एडवांस लैंडिंग हेलीकॉप्टर ठीक है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या है यह है प्रचंडा विच स्टेट हैज़ वन आयुष्मान एक्सेलेंस अवार्ड 2022? ये यह स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश विच ग्राम पंचायत ऑफ केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन इंडिया ये ग्राम पंचायत का नाम है पुल्लम पारा has बीन अपॉइंटेड एज India's second चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो ये पहले भी देखा था हमने इनका नाम है अनिल चौहान अनिल चौहान को बनाया गया लेफ्टिनेंट जनरल है ये ठीक है अगला है फॉर विच एरिया हैज उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड रानीपुर टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व कौन से एरिया के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ये एरिया है बुंदेलखंड Who has become the first European woman to command the International Space Station? पहली यूर, यूरोपियन uh, वुमेन बन गई हैं समंता क्रिस्टोफोरेटी इन विच स्टेट हैज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंड द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट केव्स एंड टेम्पल्स तो ये स्टेट का नाम है गाइस मध्य प्रदेश रिसेंटली हु हैज़ अवार्डेड क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है गाइस ब्रवर मैन को हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कैनेडा ये बन गए संजय कुमार वर्मा आंसर होगा ए संजय कुमार वर्मा रिसेंटली द इंडियन प्लेयर झूलन गोस्वामी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं बॉलर हैं हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली ये बन गई हैं जॉर्जिया मिलोनी जॉर्जिया मिलोनी वेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेब्रेटेड एवरी ईयर तो ये सेप्टेम्बर में मनाया जाता है कौन से सेप्टेम्बर को सत्ताईस सितंबर को रिसेंटली हुज़ बीन गिवन द फिफ्टी सेकेंड दादा साहब फालके अवार्ड फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी ये दिया गया है किस को यह दिया गया है आशा पारेख को हुज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गए दिलीप तर्की साहब रिसेंटली हुज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आई सी एम आर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तो इसके कौन बने हैं इसके बने हैं दो सौ छः का आंसर होगा डी राजीव बहल हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू बिकम ऑनर ऑफ वन थाउजेंड करोरस ऑफ एसेट्स तो ये बन गए हैं कैवल्य बोरा जल दूत ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाई विच मिनिस्ट्री यह मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑन हुज़ बर्थ एनिवर्सरी अंत्योदया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर ऑल ओवर इंडिया तो इनका नाम है पंडित दी दीनदयाल उपाध्याय आंसर होगा बी 209 सौ नौ का आंसर होगा बी वेन इज द इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ये हर साल मनाया जाता है तेरह तेईस सितम्बर को इन विच सिटी डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली इनाग्रेटेड एच एल्स इंटीग्रेटेड स्क्रायोजेनिक इंजन मैनुफेक्चरिंग फैसिलिटी तो ये किया गया है इनके द्वारा बेंगलोर में रिसेंटली स्वच्छ टोयकथन कंपटिशन हेज बिन स्टार्टेड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री तो ये मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नेक्स्ट देखते हैं री वर्ल्ड रोज डे वर्ल्ड रोज डे इज़ सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर फॉर द पीपुल सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज़ तो ये डिजीज़ का नाम है कैंसर वेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट एवरी ईयर तो ये मनाया जाता है इक्कीस सितंबर को इक्कीस सितंबर विच कंट्री हेज रिसेंटली डिस्कवर्ड ए रेयर लूनर क्रिस्टल एंड न्यूक्लियर पावर सोर्स नियर मून इसका नाम है चाइना रिसेंटली हुज़ वन द टाइटल ऑफ सैफ वुमेंस चैम्पियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये बन गया है बांग्लादेश रीसेंटली द फेमस पर्सन राजू श्रीवास्तव हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ फिफ्टी एट हुज ए कॉमेडियन वेरी फेमस कॉमेडियन हुज बिकम द सेवेंटी सिक्स ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली तो ये बन गए हैं कौन दो सौ अट्ठारह का सही आंसर है डी प्रणव आनंद एलविस अली हजारी का द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल बिलोंग्स टू विच स्टेट ही बिलोंग्स टू असम विच स्टेट हैज़ लॉन्च सी एम हैसी वेब पोर्टल तो ये है ये स्टेट है मणिपुर मणिपुर इज द राइट आंसर विच फिल्म हैज़ बीन अनाउंसड एज इंडिया ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर 2023 इंडिया की ऑफिशियल इंट्री ऑस्कर में बन गई है छेलो छेलोसो छेलो रिसेंटली द फॉर्मर इंडियन प्लेयर नरेश कुमार रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हैज़ पास्ट अवे एट द एज ऑफ 93 सो so, इन इनका संबंध जो था वो टेनिस से था रिसेंटली द प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट रॉजर फेडरर हैज़ अनाउंसड हिज रिटायरमेंट तो ये टेनिस के लॉन टेनिस के बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं रिटायरमेंट घोषित कर दिया इन्होंने ऑन विच डेट नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ये मनाया जाता है चौदह सितंबर को चौदह सितंबर इज़ द राइट आंसर रिसेंटली विच मेल क्रिकेटर हैज़ बिन अवार्डेड द आईसी प्लेयर ऑफ द मंथ आईसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू यह दिया जा रहा है सिकंदर राजा जिम्बाबे को हुईंटेड एज द नेक्स्ट और यू कैन से सिक्सटींथ अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया आंसर इज आर वेंकट रमनी रिसेंटली विच ज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू हैव इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सिस्टम तो ये बैंक बन गया एच डी एफ सी बैंक विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल अगेन टू अस्ताना तो ये कंट्री बन गई है नूर सुल्ताना पहले चेंज कर दिया था फिर अस्ताना कर दिया यह कजाकिस्तान है विच कंट्री विल होस्ट द क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2022 आंसर है बांग्लादेश इन विच कंट्री द फर्स्ट ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बिटवीन इंडिया फ्रांस यूनाइटेड अरब इमिरेट्स तो इसका आंसर है सी यूएसए में हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया आंसर विल बी सी संजय खन्ना Which tennis player has won the men's single titles at US Open 2022 Championship? Uh, correct answer is D. Carlos Alcaraz. Which country will preside over the BRICS summit in the year 2023? The answer is South Africa. Which state government has decided to withdraw the cattle control bill? आंसर इज सी गुजरात रीसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्स्ड इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना आंसर इज राजस्थान रिसेंटली विच कंट्री क्रिकेट टीम हैज़ वन द एशिया कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो करेक्ट आंसर इज सी श्रीलंका रीसेंटली हुज बिकम दी न्यू हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन करेक्ट आंसर विल बी B. Volker Turk. What is the rank of India in Human Development Index for the year 2021 released by UNDP recently? India holds rank rank number one thirty second. Recently, Indian-origin barrister Suyola Brahman has become the new Home Minister of which country? So the correct answer is B. Britain. विच नेवल शिप वॉज डी कमिशन बाई इंडियन नेवी ऑन सेप्टेंबर नाइनटींथ ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच हैड सर्व फॉर थर्टी टू ईयर्स तो इसका नाम है आई एन एस अजय पी थर्टी फोर इन विच कंट्री कंट्रीज लैब ए न्यू वोल्फ माया हैज़ बीन प्रिपेयर बाई क्लोनिंग आर्टिक वोल्व्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड आंसर इज चाइना Indian army has decided to shift the army day parade of 2023 to which area answer is a southern command the scientist science magazine vigyan pragati which receives the rajbhasha kirti puraskar 2022 is released by which institute so 243 ka correct answer is d csir who has become the first Indian to win four medals at the World Wrestling Championship? Four medals. Answer is uh, 244. Correct answer is B. Bajarang Punia Which country has emerged as the largest bilateral lender to Sri Lanka? Correct answer India. For the session 2022-2023, which Indian city has been named as SEO Tourism and Cultural Capital for the first time? Answer is C. Varanasi. In which national park cheetahs have been brought under project Cheetah? This national park is Kuno National Park. What has the central government renamed as Rajpath? Rajpath ka naya naam rakh diya hai, Path. Lij Truce. ज बिकम द थर्ड वूमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सो फार करेक्ट आंसर इज सी ब्रिटेन रिसेंटली नीरज चोपड़ा एज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन जैवलिन इन विच चैंपियनशिप आंसर इज डायमंड लीग चैंपियनशिप हुज बिकम द न्यू किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम नए किंग बन गए हैं ए प्रिंस चार्ल्स द्वितीय In which city of Bangladesh the Maitri Super Thermal Power Project has been established? So the correct answer is C. Khulna. Pedanta Khulna. Patel of Indian origin is head of State Department of which country? Deputy Spokesperson. Answer is B. United States. Who has become the new President of All India Football Federation? (AIWF)? करेक्ट आंसर इज डी कल्याण चौबे आफ्टर विच इंडियन सिंगर रिसेंटली ए स्ट्रीट इन कैनेडियन सिटी ऑफ मरखम हैज़ बीन नेम्ड सो द करेक्ट आंसर इज सी ए आर रहमान ए आर रहमान ग्रीन फिंस हब ए ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल मैरिटाइम टूरिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन करेक्ट आंसर इज़ सी यू एन ई पी इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम सेल मैनुफैक्चरिंग प्लांट हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो इस स्टेट का नाम है डी आंध्र प्रदेश पहला लिथियम मैन्युफैक्चरिंग लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रिसेंटली वो हैज बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट बन गए हैं गौतम अडानी द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस्ड ए न्यू सिक्स हंड्रेड मिलियन डॉलर आर्म पैकेज फॉर विच कंट्री दिस कंट्री इज इंजीनियर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कमरेट हुज बर्थ एनिवर्सरी बहुत बड़े ये इंजीनियर थे इनका नाम है एम विश्वसेरैया हाउ मैनी सेलिब्रिटीज है अवार्ड फॉर द्वेंटी ट्वेंटी टू आंसर फोर हू हेज बिकम द न्यू सी ईओ ऑ ऑफ इंडियन ओरिजिन मल्टी नेशनल कंपनी स्टारबक्स answer is c lakshman narasimhan in which union territory of indias of india india's first virtual school has been launched virtual school answer delhi recently who has been appointed as the new director general of news service division of all india radio so the correct answer is d Vas vasudha gupta when is world coconut day celebrated every year सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड सेप्टेम्बर विच इंडियन ब्यूटी हैज़ रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ मिस डिवा यूनिवर्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू आंसर इज डी दिवता राय हुज़ रिसिव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट सिक्सटी सेवेंथ फिल्म फेयर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ये अवार्ड मिला है रनवीर सिंह को कॉल इन दे ग्रैंड होम द प्लेयर ऑफ विच कंट्री इज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट सो ही बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड ऑन विच डेट नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ये मनाया जाता है उनतीस अगस्त को मेजर ध्यानचंद साहब का शायद बर्थ डे है रिसेंटली इन विच सिटी इंडियाज फॉर्स्ट रीजनल नेशनल सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल हैज़ बिन अनाउंसड so answer is Bhopal matipalis who has been appointed as the new md and ceo of idfc bank for the next two years correct answer is mahendra saha who has been voted uh, the men's player of the year uefa award 2022 so the player is uh, karim benjema recently who has become the first indian female wrestler to win two medals in the world championship correct answer will be c vinesh Fogat. after whom is kibuthu kibuthu military camp uh, named uh, answer is d general bipin rawat which state has recently started a school breakfast program this state name is tamil nadu which planet disappeared from sight during the lunar eclipse on september 14th 2022 answer uranus india has decided to invite which country as a guest during g20 presidency correct answer will be bangladesh in which year india will host g20 summit so he uh, india will host in 2023 yani ki next year ya एक दो दिन बाद देख रहे हो तो इसी साल इन विच स्टेट इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम हैज़ बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली, बिहार विच इंडियन सिटीज़ हैव ज्वाइंट द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ तो ये जो सिटीज़ हैं इनका नाम है ये जो सिटी है इनका नाम है वाराणसी लखनऊ एंड कोची विच स्टेट विल होस्ट मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो आंसर इज ए उड़ीसा हाउ मेनी स्टेट्स विल द कांग्रेस पार्टी रन द भारत जोड़ो यात्रा तो टोटल स्टेट ये जो है ये है बारह स्टेट इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट बायो विलेज हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड आंसर त्रिपुरा इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी विल बी ओपेंड इन विच स्टेट और यू टी आंसर Ladakh. Who has been elected as 56th Prime Minister of United Kingdom? Answer A. Liz Truss In which country Indian Army Chief Manoj Pandey has been awarded Honorary Rank of Army General? Answer D. Nepal Which organization has developed India's first nasal vaccine related to COVID-19? Which got DGCI approval? Answer is B Bharat Biotech. Which state of India will the 36th National Games be organized? The state name is Gujarat. In which state of India a new species of crab named Ghatiana Dwi Varna has been discovered? Answer is A Karnataka. इन विच कंट्री हैज़ बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ओवरटेकिंग यूनाइटेड किंगडम ये बन गई है हमारी कंट्री इंडिया विच इंडियन कंपनी हैज अनाउंस टू बिल्ड इंडिया इज फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन गुजरात करेक्ट आंसर ए रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैजेल्ड न्यू फ्लैग For which armed forces? Uh, answer B Indian Navy. Which state has launched rural backyard piggery yojana for the welfare of farmers? Correct answer is A Meghalaya. Which team become the first team to qualify for the Super 4 stage in Asia Cup 2022? Correct answer is A Afghanistan. Who was honored with the Lifetime Achievement Award at the 67th Filmfare Award? So the answer is D. Subhash Ghai. Subhas Ghai is a director. Which city has been uh, declared as the safest city in India in 2021 as per the National uh, Crime Record Bureau (NCRB)? Correct answer is 296. Ka will be B. Kolkata. Who has become the first Indian to win a gold at World Cadet Judo Championship 2022? Correct answer is B. Linthoi Chanambam. In which state has Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated India's first earthquake memorial? Correct answer will be B. Gujarat. Who has been sworn in as the 49th Chief Justice of India? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ आंसर सी नो करेक्ट आंसर इज यू यू ललित हुल टाइटल ऑफ बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर बी विक्टर एक्सेलसन मेन कैटेगरी में एंड यामागुची फीमेल में वेन इज वुमेन Equality Day celebrated every year. Correct answer is uh, C, twenty sixth August. Who has been awarded the UNESCO Peace Prize 2022? Correct answer B, Angela Merkel. Recently, how many teachers have been selected for the National Teachers Award 2022? Correct answer A, forty six. Forty six. On the death anniversary of which leader? बुक न्यू इंडिया वॉज रिलीज्ड करेक्ट आंसर सी अरुण जेटली विथ विच नेबरिंग कंट्री इंडिया हेज साइंड कंसलटेंसी एग्रीमेंट फॉर द टू रेलवे प्रोजेक्ट करेक्ट आंसर ए बांग्लादेश विथ सीनियर लीडर हैज रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम ऑल पोस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी करेक्ट आंसर डी गुलाम नबी आजाद वेयर वॉज एट्थ India Brazil joint commission meeting held recently answer d brasilia who has bagged contract as official national team sponsor of the sri lanka cricket team for the asia cup 2022 answer is b fair play news who has been appointed as the interim coach of indian cricket team for the asia cup 2022 answer b bvs lakshman हुज बीन अवार्डेड द लिबर्टी मेडल ट्वेंटी ट्वेंटी टू आंसर ए बोलोदीवीर जेलेंसकी हु इज प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनागरेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट आंसर ए पंजाब अंडर विच कैटेगोरी बांग्लादेश ओरिजिन फाहमीदा अजीम हैज़ वन द पुलिटर प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी टू आंसर इज सी इलुस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज रिसेंटली कैप्चर्ड न्यू पिक्चर्स ऑफ विच प्लान आंसर बी जुपिटर विच कंट्री हैज बिकम द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन बूढ़ी हो रही है कंट्री यहाँ के लोग ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं आंसर है पुर्तगाल इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ऑब्जरवेटरी विल बी सेटअप टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी आंसर इज स्पेस एक्टिविटी के लिए सेटअप किया जाएगा कौन से उसमें तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में विच फोक डांस हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट आंसर है गरबा इन विच कंट्री द एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ एस सी विल बी हेल्ड करेक्ट आंसर सी उज्बेकिस्तान India's first hydrogen fuel cell bus has been unveiled in which city? The city name is D Pune. Chandigarh International Airport will be renamed after whom? Answer C Saheed Bhagat Singh. India's first indigenously developed RT-PCR kit to test for the monkey pox disease has been de developed by which company? The company name is Trans Asia Biomedicals. What is the name of India's first indigenously built aircraft carrier? Uh, answer is A. INS Vikrant. How many medals has the Indian wrestling team won in U, uh, under 2020 uh, World Cup Championship? Answer 322 correct answer was C. Solar Medal. ट्री वॉज द बाइनियल वारफेयर एक्सरसाइज पिच ब्लैक हेल्ड पिच ब्लैक जो है बाइनियल वारफेयर एक्सरसाइज है यह हुआ है कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया सैयद सिबते राजी हुए ऑन ट्वेंटी अगस्त ही सर्वड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट सो द आंसर इज झारखंड हुम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन गोल्ड इन अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थ्री ट्वेंटी फाइव का आंसर इज अंतिम पंगल दही हांडी इज रिकॉग्नाइज्ड रिकोगनाइज एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन विच स्टेट स्टेट नेम इज महाराष्ट्र विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया स्टेट का नाम है गोवा in which south american country external affairs minister s j sankar has unveiled a statue of mahatma gandhi correct answer is a paraguay in which city india's first double-decker ac electric bus has been unveiled t correct answer will be c mumbai which leader has not been nominated as the member of bjp parliamentary committee आंसर सी नितिन गडकरी इन विच सिटी इंडिया इज फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड कॉर्निया हैज़ बिन डेवलप्ड थ्री थर्टी वन का करेक्ट आंसर इज बी हैदराबाद इन विच स्टेट विल द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड स्टील स्लैग रोड सो करेक्ट आंसर इज ए अरुणाचल प्रदेश विच कंट्री हैज साइंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी बिलियन डॉलर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर बिल द कंट्री नेम इज United States of America in which city state bank of india has launched its first branch startup correct answer c bangalore manthan manch has been started by government of india for what purpose the purpose is a cooperation in research and development Sadbhavana Diwas is celebrated on 20th August as the birth anniversary of which former Prime Minister of India? Correct answer is C. Rajiv Gandhi. Which international airport in India has launched the DG Yatra program from August 18, 2022? Answer is B. Hyderabad International Airport. India has gifted the Dornier Maritime Reconnaissance Aircraft to which neighboring country? तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो दिया गया है किस कंट्री को थ्री थर्टी एट का करेक्ट आंसर होगा सी श्रीलंका को हु हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फ्रेंडशिप स्टार्टअप फॉर द सीनियर सिटीजन्स थ्री थर्टी नाइन का आंसर इज बी रतन टाटा विच यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्माइल सेवनटी फाइव इनिशियटिव करेक्ट आंसर इज डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट School cleanliness education program is an initiative launched in which state? Correct answer is B. Uttarakhand. Which country has become the first country in the world to approve the Omicron vaccine? Correct answer is C. United Kingdom. Which organization on the occasion of Independence Day 2022 from the earth, Indian national flag is hosted 30 kilometers above? करेक्ट आंसर इज ए स्पेस किड्स इंडिया द अगस्था मलाई रीजन ऑफ इन विच स्टेट हैज़ बिन डेजिग्नेटेड द बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व ऑफ स्टेट अगस्था मलाई हम जानते हैं कि तमिलनाडु में है तो करेक्ट आंसर होगा डी तमिलनाडु हु हैज़ बिन गिवेन द सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस सेविलियर ला लेजियन द ऑनर रिसेंटली ये दिया गया है किसको दिया गया है गाइज ये दिया गया है शशि थरूर को बाइलेट्रल एक्सरसाइज़ उदार शक्ति इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री करेक्ट आंसर डी मलेशिया इंडिया एंड मलेशिया व्हाट व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड तो ये मनाया जाता है बारह अगस्त को विच टू कंट्रीज़ हैव है फ्रॉम कोऑपरेशन ग्रुप फॉर्म्ड बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थ्री फोर्टी एट का करेक्ट आंसर इज डी लाटविया लाटिविया एंड इस्टोनिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अप्रूव्ड एज द बूस्टर डोज इन इंडिया फॉर द पीपल एबव एटीन ईयर्स ऑफ द एज ये बूस्टर डोज का नाम होगा वैक्स रिसेंटली हैज ऑनर्ड विद द हाइस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख तो इनका नाम है किसको दिया गया है ये किसको दिया गया है आपको बताना है इसका आंसर है थ्री फिफ्टी का करेक्ट आंसर इज सी दलाई लामा सी दलाई लामा ठीक है वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड अंडर एवरी ईयर ऑन विच डेट तो ये डेट है वर्ल्ड एलिफेंट डे का थ्री फिफ्टी वन का करेक्ट आंसर इज डी

so it is celebrated on 10th august india first underwater metro will be inaugurated in which city 355 ka correct answer is uh, b kolkata when will 12th edition of defence expo be held in gujarat correct answer is d october 2022 न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हैज़ बिन रीनेम्ड एज़ इसका नाम करके रीनेम किया गया है नामकरण करके चेंज किया गया है अब क्या नया नाम है पूछा है करेक्ट आंसर है इंडिया आर्बिट्रेशन सेंटर नेक्स्ट है हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हेल्ड इन बीजिंग सॉरी बर्मिंगम लंद बर्मिंगम है यूनाइटेड किंगडम में तो यहां पे हमने जीता है इकसठ मेडल करेक्ट आंसर होगा सिक्सटी वन मेडल्स थ्री फिफ्टी एट का करेक्ट आंसर इज सी वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेट एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल अमृत हॉस्पिटल आंसर है फैजाबाद हरियाणा परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड by which union territory of india so correct answer is b jammu kashmir jammu kashmir dr n kalai selvi dr n kalai selvi has become the first has become the first woman director general of which indian research organisation 361 ka correct answer will be 361 correct right answer is d council of साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्स सी एस आई आर विच इंडियन स्टेट हैज अपॉइंटेड इंडिया एज इट्स एडवाइजर थ्री सिक्सटी टू का करेक्ट आंसर इज बी उत्तर प्रदेश हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स एज द इंडियन कॉन्टीजेंट वन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच वेल्ड इन बर्मिंगम तो गोल्ड मेडल इस बार जीता हमने कितना बाईस हुज बीन इलेक्टेड एज द फोर्टीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फोर्टींथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं ये बन गए हैं जगदीप धनकड़ साहब जगदीप धनखड़ साहब वेयर वॉज द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट ट्वेंटी ट्वेंटी ये बैंगलोर कर्नाटक में हुआ है बिटवीन विच टू कंट्र सिटीज इन इंडिया अकाशा एयर्स फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बिन इनागरेटेड अकाशा एयर का पहला फ्लाइट इट हैज़ बिन इन इनाग्रेटेड बिटवीन द सिटीज़ मुंबई टू अहमदाबाद अंडर द अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस बढ़े चलो कैंपेन हैज़ बिन इस्टार्टिड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री ये मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हैज़ बिन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज विथ इंडिया इंड विच कंट्री तो ये इंडिया और यू एस ए के बीच होता है आंसर होगा सी Which astronomical observatory in India has been notified in list of UNESCO? Answer is D. Bihar Astronomical Observatory. Which Indian female boxer has won the gold medal in women's 50 kg boxing category at Commonwealth Games 2022? Correct answer is A. Nikhat Jareen. In which city of India, India's first regional national center for disease control has been announced recently? करेक्ट आंसर इज ए भोपाल हु हैज बिकम द न्यू एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आई एम एफ इन इंडिया आंसर इज बी के सुब्रमण्यम हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डी आर डी ओ आंसर सी समीर बी कामत रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर इन विच सिटी करेक्ट आंसर सी लखनऊ रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट एडुकेशन टाउनशिप 375 का आंसर इज बी उत्तर प्रदेश रिसेंटली वो हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी 376 का करेक्ट आंसर इज ए देवासीस मोहंती रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अगेन ब्रोकेन इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड ये कंट्री है साउथ कोरिया साउथ कोरिया रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज बिकम फंक्शनली फंक्शनली लिटरेट थ्री सेवेंटी एट का आंसर इज बी मांडला मध्य प्रदेश रिसेंटली सैयद सिबते राजी हु फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच टू स्टेट हैज पास अवे एट 83 तो करेक्ट आंसर होगा थ्री सेवेंटी नाइन का झारखंड एंड आसाम

On which date World Photography Day is celebrated every year? Answer is uh, C. 17th August When is World Humanitarian Day celebrated every year? Answer B. 19th August Recently which country's player Kevin O'Brien has retired from international cricket? So correct answer is 384 ka. C. Ireland on which date World Organ Donation Day is celebrated every year? So correct answer is C on 13th August. Who has been adjudged by AIFF for men's footballer of the year 2021-2022 season? Correct answer is C Sunil Chetri. Which country has recently started first service of hydrogen powered train? Correct answer is D Germany. ISRO successfully put 3 satellites of which country into a space orbit with PSLV C53 Correct answer is B Singapore Recently who has been appointed as 49th Chief Justice of India Correct answer is Justice UU Lalit Justice UU Lalit Which male cricketer has recently received the ICC player of the month award for July 2022 सो द करेक्ट आंसर विल बी थ्री नाइंटी एथ का करेक्ट आंसर इज ए प्रभात जयसूरिया श्रीलंका का विच ब्यूटी हैज़ रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए एस ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज सी आर्या बालवेकर, विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन एट्थ अगस्त 2022 तो बयालीस में हुआ था ये उन्नीस सौ बयालीस में तो अस्सी साल हो गए आंसर सी ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर विच चेस प्लेयर एज रिसेंटली बिकम सेवेंटी फिफ्थ ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया तो आंसर इज डी वी प्रनव हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सी एस आई आर आंसर इज नलथम्बी काला सेल्वी कलाई सेल्वी आंसर सी वेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया नेशनल हैंडलूम डे सेवेंथ अगस्त आंसर सेवेंथ अगस्त रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू डेवलप ए संस्कृत ग्राम इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट थ्री सिक्स का करेक्ट आंसर ए उत्तराखंड Recently, the Ministry of Energy has announced to build the world's largest floating solar power plant in which state? Correct answer D. Madhya Pradesh. Recently, who has been appointed as the new director of the Prime Minister's office for the next three years? Correct answer D. Sweta Singh. Recently, it has been announced to create seven new districts in the West Bengal. नाउ वट विल बी द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्स इन द स्टेट थ्री नाइन्टी नाइन का करेक्ट आंसर इज बी थर्टी विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट द सेमी कंडक्टर पॉलिसी सेमी कंडक्टर पॉलिसी स्टार्ट करने वाला स्टेट बन गया है गुजरात रिसेंटली वासफिया वासीफा नजरीन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ विच कंट्री टू कनकर के टू करेक्ट आंसर बांग्लादेश हुज बिकम द हाइएस्ट पेड एफ एम सी जी सी ईओ रिसेंटली एफ एम सी जी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स करेक्ट आंसर होगा फोर हंड्रेड टू का बी सौगात गुप्ता फॉर हाउ मैनी मंथ्स बांग्लादेश फास्ट बॉलर शोदुल इस्लाम हैज बिन बैंड बाई आई सी सी फॉर कमिटिंग डोपिंग वायलेशंस आंसर इज बी टेन मंथ्स ज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेट रिवोल्यूशन इन इंडिया हु पास अवे रिसे करेक्ट आंसर इज ए ब्रिजेंदर कुमार सिंगले रीसेंटली नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेटेड इन द जैवलिन थ्रो इवेंट इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स विच मेडल डिड ही विन ये सिल्वर जीता है इसमें उन्होंने सिल्वर जीता है रिसे इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्ट मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज आंसर जापान चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली है इनका नाम है इंद्रमीत गिल इंद्रमीत गिल Who has been given द मोस्ट फेवरेबल स्टेट अवार्ड फॉर द फिल्म इन सिक्सटी एथ नेशनल फिल्म अवार्ड रिसेंटली यह दिया गया मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश towards दी फ्रांस टाइटल फोर जीरो नाइन का करेक्ट आंसर इज सी जोनस विंगार्ड ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा हैज टाइड अप हिस्ले हिलसे ग्लोबल ड्रोन्स टू सेटअप इट्स एरो फर्स्ट एयरस्पेस प्लांट इन विच कंट्री फोर हंड्रेड टेन का करेक्ट आंसर इज सी मलेशिया मलेशिया

Recently, who has been appointed as the new CEO of telecom company Bodafone Idea? Answer C. Ravinder Thakkar. Thakkar Kailo. Who has been appointed as the new Prime Minister of Sri Lanka replacing Ranil Vikram Singh? Answer C. Dinesh Gunawardene. Recently, who has become the first state to connect commercial vehicles with emergency response support system? Answer B. हिमाचल प्रदेश वेन इज नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया फोर हंड्रेड सेवनटीन करेक्ट आंसर सी ट्वेंटी सेकेंड जुलाई हु हैज द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अंडर सिक्सटी एट्थ नेशनल फिल्म अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड एटीन का आंसर इज डी अपर्णा बाला मुरली हु हैज बिकम द फिफ्टींथ एंड फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आंसर द्रौपदी मुर्मू Dropadi Murmu. What is the rank of Indian passport in recently released Henley Passport Index for the year 2022? 420 correct answer is C87th. In which state India's first digital low kadalath has been launched recently. Answer B. Rajasthan. Recently C Guardians 2 maritime exercise was organized by China and which country? Answer is A. Pakistan, China and Pakistan, C. Guardians. 2. Which IT company will acquire Denmark based Base Life Science for 110 million euros? So, answer is B. Infosys. Who has become the new MD and CEO of National Stock Exchange, NSC? Answer A. Assis Kumar Chohan. Which security force has recently recovered? Narcotics products worth seven point four zero crore under Operation Narcos. Answer B. Railway Protection Force. Which state tops the ranking of states to implement the National Food Security Act through ration shops? Answer is D. Odisha. Thirty NATO allies signed the accession protocol for the Sweden and which country? Correct answer. This country name is Finland. Junior Ferdinand Marcos was sworn in as the 17th president of which country? Answer D Philippines. Which Indian badminton player has won the women's single title at Singapore Open 2022? So, correct answer is C PV Sindhu. When is World International Day of Justice celebrated every year? So, correct answer is uh, 430 ka B, 17th July. Recently, who has been appointed as the High Commissioner of Bangladesh to India? Correct answer is B, Mustafizur Rahman. According to Time Out 2022 Index, which country's capital, Edinburgh, is best city in the world? 432 ka correct answer is C, Scotland. Which country celebrates... 14th July every year as a national day, which is also known as Bastille Day. Correct answer D, France. Recently, which institute has made a tool named Pivot to detect genes responsible for cancer? Answer A, IIT Madras. What is the rank of India in recently released global gender gap report for the year 2022? Correct answer is 435. Ka correct answer will be B 135th, which has become the first state to implement the center's new education policy in primary education. Correct answer C. Uttarakhand. According to World Health Organization, in which country two suspected cases of Marburg virus disease were reported? Answer A. Ghana. Which country recently conducted a highly sensitive experiment named Lux Jaipur to detect dark matter in universe? Correct answer. B. America. In which city did Union Mines Minister Prahalad Joshi inaugurate the 6th National Conference on Mines and Minerals? Correct answer. C. Delhi. Reserve Bank of India has approved MENA. हेमचंद्रा एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक करेक्ट आंसर बी करूर व्यासा बैंक विच मेल प्लेयर हैज रिसीव्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द फॉर जून 2022 करेक्ट आंसर इज ए जॉनी बेस्टो विच इंडियन हैज वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 आंसर सी पल्लवी सिंह

करेक्ट आंसर होगा फोर फोर्टी फाइव का ए मोहन सुब्रमण्यम हु हैज रिसेंटली वन टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर फोर फोर्टी सिक्स का सी सीनी शेट्टी रिसेंटली यर लेपिद हैज बिकम द फोर्टींथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री द कंट्री नेम इज इजराइल विच फ्यूजटिव बिजनेसमैन हैज रिसेंटली विंस sentenced to 4 months in jail by supreme court in 2017 contempt case related to hiding information from court so correct answer is b bijay malaya nepal has recently started exporting cement to which country for the first time answer b india recently which person of indian origin has been appointed as new chairman of financial election task force correct answer is a टी राजा कुमार विच मेडल हैज़ बिन वन बाई अर्जुन बबूता ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज करेक्ट आंसर ए गोल्ड मेडल हैज हुन अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ गेल रिसेंटली गेल के लिए बनाया गया है संदीप गुप्ता को संदीप गुप्ता इज द राइट आंसर Recently uh, Ketan G. Brown Jackson has become the first black woman judge of Supreme Court of which country? Correct answer Jager, D America. When is National Statistics Day celebrated every year? Correct answer 454 ka a 29th June. Who has been given the additional charge of Ministry of Minority Affairs? Answer A. Smriti Irani. Civil Aviation Minister Jyoti Radit Sindhya was given additional charge of which ministry? Answer Ministry of Steel. Who has been elected as the Vice President of Confederation of Indian Industry? Answer C Sanjeev Puri. Who has been appointed as the new chairman of Central Board of Direct Tax? CBDT. Correct answer D. Nitin Gupta. Recently, who has become the first Indian captain to take a wicket in T20 International Cricket Correct answer C. Hardik Pandya Which cricket team has recently won the title of Raji Trophy for the first time? Answer is B. Madhya Pradesh How many crore rupees has been imposed by Reserve Bank of India on Ola Financial Service? 461 Correct answer is B. 1.67 crore the government of which country has decided to honour former prime minister sinjo abe posthumously with supreme order of chrysanthemum? 462, ka correct answer is a, japan. recently, paparaja, naidu, himalayan Geological park has launched an ambitious program to release how many red pandas into wild in about five years correct answer a 20 according to united nations which of the following country will overtake china to become world's most populous country in 2023 464 correct answer is a india india who has recently included in the wall of former chief economist of international monetary fund so the correct answer is b गीता गोपीनाथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मिशन कौशल कर्मी योजना तो ये लॉन्च किया है दिल्ली ने वर्ल्ड मलाला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे वर्ल्ड मलाला डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जुलाई को इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड पीस फोरम 2022 ट्वेंटी टू ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज तो हुआ है चाइना में इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू हिट हाउ मेनी फोर्स इन मेन्स टी ट्वेंटी क्रिकेट तो ये बन गए हैं कितने मारने वाले ये बन गए तीन सौ चौके मारने वाले इंडिया हैज प्रोवाइडेड मोर देन फोर्टी फोर थाउजेंड टन ऑफ यूरिया अंडर द लोन फैसिलिटी टू विच कंट्री विच इज फेसिंग सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस करेक्ट आंसर इज श्रीलंका विच फॉर्मर सीईओ ऑफ थिंक टैंक नीति आयोग वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियाज न्यू शेरपा हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर जी20, आंसर है अमिताभ कांत विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवे, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश में थर्टीन Which former Prime Minister of Japan has died after being shot while delivering a speech in the city of Nara? Answer: Sinjo Abe. Shinjo Abe. The Union Health Ministry has reduced the gap of booster dose from nine months to how many months for people above 18 years of the age? Correct answer 474 74 is uh, D, six months. From which ministerial post has Mukhtar Abbas Naqvi resigned? So this ministerial post is a Union Minister for Minority Affairs. Which country has signed agreement for supply of technology for Kundan Kulan nuclear power plant in Tamil Nadu? So the correct answer is 476. Correct answer is C, uh, C Russia. Which country the government, which in which country the government has declared a state of emergency? In five northern regions around the Po River, in the view of severe drought in the country. Correct answer is B, Italy. In which state scientific Kai Chutney has been submitted for GI registry, Geographical Indication Registry? Answer is A, Odisha. Recently, the people of which state have celebrated Sao Joao. फेस्टिवल करेक्ट आंसर सी गोवा द फर्स्ट इंडो नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन आंसर इज बी सफदरजंग रेलवे स्टेशन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द फर्स्ट केम्पे गौड़ा टू एस एम कृष्णा एस आर नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पादुकोण करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक गवर्नमेंट karnataka government which a state has recently launched the medical insurance scheme medisip a scheme for a state employees pensioners 482 car right answer is b Kerala, uh, who has been appointed as the chairman of advisory committee to assist the committee of administrators appointed by supreme court recently correct answer is d Ranjit Bajaj Which state has been ranked first in Asia in the recently released global startup ecosystem report in affordable talent Answer A Kerala According to the report of World Co Gold Council which of the following has India ranked in global gold recycling Correct answer 485 ka C fourth Which state government has recently launched the नारी को नमन स्कीम फॉर द वुमेन ऑफ द स्टेट करेक्ट आंसर ए हिमाचल प्रदेश इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन फुली कमीशन बाय एनटीपीसी इन विच स्टेट करेक्ट आंसर डी तेलंगाना इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई विच मेडल हैज वन बाई Has been won by Nira Chopra while performing bilaterally, sorry, brilliantly in Diamond League recently. Correct answer is uh, gold medal. In which city the Ministry of Daring and Animal Husbandry has launched uh, the one health pilot project on 28th June 2022. Correct answer is A Bangalore. What has been renamed as Aurangabad District of Maharashtra. So this Sambhaji Nagar. According to QS Best Student Cities 2023, which is the highest ranked city in India in terms of living for students from all over the world? Answer is D. Mumbai. Which medal has been won by Deepak Punya in under 23 Asia Wrestling Championship in Biscay, Kyrgyzstan? Correct answer C. Bronze medal. Which country has announced to transfer? एम मिसाइल फ्रॉम विच डेट बैंड द यूज ऑफ सिंगल प्लास्टिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन करेक्ट आंसर ए लीजा स्थल लेकर विच कंट्री हेज लॉन्च Solid fuel rocket Ju, uh, Jul, Ju, jana into space. Right answer is D. Iran. Which state has launched the vehicle monitoring system Suraksha Mitra project? Answer D. Kerala. What is the rank of India in recently released World Press Freedom Index 2022? Correct answer is A. 150th. What is the position of Indian?

Who has been honoured with a Golden Achievement Award 2021 by International Tennis Hall of Fame and International Tennis Association recently? Answer A Vijay Amritraj Recently who has become the 27th Chief Justice of Himachal Pradesh High Court? Answer is A Amjad Ahatesam Syed Mukhi Mantri Bal Gopal Yojana is related to which state? Correct answer A Rajasthan. Recently, who has been awarded the first prize in National MSME Award 2022? Answer B Odisha. Passport Seva Diwas is celebrated on which day? It is celebrated on 24th June. International Olympic Day is celebrated on which day? Answer C 23rd June. According to the Global Livability Index 2022 of the Economist Intelligence Unit, which is the best city in the world to live in? The answer is Vienna, Austriak Rajdhani, Vienna. Which state government has recently launched a medical insurance scheme called Medicep for government employees and pensioners? Answer is, uh, correct answer is B, Kerala. Which airport has become the first airport in the country to meet renewable energy requirements? Answer C, Rajiv Gandhi International Airport. Recently, which country has successfully launched Nuri rocket? Correct answer 512 ka China. In which country the 48th G7 Summit uh, 2022 was organized? Answer B Germany. Which country has topped the Asian Cycling Championship 2022 with 27 medals? Answer A Japan. Ministry of Defense and Ministry of Home Affairs has announced to reserve. What percentage of jobs for Ag uh, Agni Virs after four years of service? Correct answer B 10%. Which Australian player has become the second cricketer in the one day international history to stomp for 99 runs? Correct answer D David Warner. Which has become the last state in the country to join the one nation, one ration card scheme? Right answer is A Assam. Which state has won the title of first under 19 T20 National Cricket Championship organized by DIF Cricket Association of India? Correct answer A. Andhra Pradesh. Who has been nominated by Bhartiya Janta Party for presidential election? Draupadi Murmu. Which Indian Institute of Technology has developed a robot to clean septic tanks? Answer D. IIT Madras. लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान आंसर डी चाइना वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे आंसर ए नाइनटींथ जून which country will the FIFA Under A 17 Women's World Cup be organized. Answer C. India. What is the theme of International Yoga Day 2022? Answer A. Yoga for Humanity. On which day World Refugee Day is celebrated? Correct answer A. 20th June. Who has become the oldest Indian player to score T2050? Answer C. D Dinesh Karthik. How many years has the central government increased the upper limit of agni Agnipath scheme from 21 year for the first year? 528 correct answer is B 23 years. Which country former captain, 37 years old William Portfield, has retired from international cricket? Correct answer D. Ireland. Which Indian American has been nominated by US President Joe Biden to टॉप पेंटागोन पोस्ट आंसर ए राधा प्लम्ब बी रंजना प्रकाश देसाई आरती प्रभाकर हैज बीन अपॉइंटेड एज साइंस एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री 532 का करेक्ट आंसर इज सी अमेरिका Who has been conferred with the honorary doctor of literature by HSNC University, Maharashtra recently? Answer B, Ratan Tata. Recently, who has been appointed as the Under Secretary General of United Nations? Answer C, Rabab Fatima. Which country has agreed to abolish compulsory death penalty? Answer Malaysia. In which country, in which city, India's first. डिस्प्ले विल बी हैदराबाद इंटरनेशनल फैमिली डे इज ऑब्जर्व डे आंसर कंपनी टोटल एनर्जीजर परसेंट स्टेक इन अडानी ग्रुप्स ग्रीन हाइड्रोजन वेंचर आंसर ट्वेंटी फाइव द गवर्मेंट ऑफ विच कंट्रीडेड टू रिमूव द स्ट्रिक्ट वीजा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन इंडियंस ड्यू टू कोविड एपिडेमिक आंसर ए चाइना क्वेश्चन है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज वर्ल्ड वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे करेक्ट आंसर होगा डी फिफ्टींथ जून रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट सो इस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है केरल केरल इज़ द राइट आंसर विच मेडल डिड गुरु नायडू गुरु नायडू सेनापति विन फॉर इंडिया एट द 2022 ट्वेंटी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मैक्सिको करेक्ट आंसर सी गोल्ड मेडल रिसेंटली वन गोल्ड मेडल इन अंडर 15 एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप राइट आंसर इज सी अनहाता सिंह

रुमेली धर हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट करेक्ट आंसर इज सी इंडिया रिसेंटली रिसे बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीका राइट आंसर इज डी लीजा स्टार लेकर ऑन विच डेट इंटरनेशनल विडो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर राइट आंसर इज सी Twenty-third June. Who has become the first woman batch of India to clear the NDA exam? Right answer is C. Sanan Dhaka. Recently, who has been appointed as the next permanent representative of India to United Nations? Ruchira Kamboj. Answer Ruchira Kamboj. Which international Yoga Day is celebrated on? Twenty first June. Right answer is C eighth. Uh, Recently uh, Gustavo Petro has become the new president of which country? So right answer is B Colombia. Recently the world's largest plant, 150 km, has been discovered off the coast of Australia. Is named. He actually kilometer nahin, meter onachi. राइट आंसर इज फाइव सिक्सटी थ्री का बी सॉरी फाइव फिफ्टी थ्री का बी सीडोनिया ऑस्ट्रेलिस ऑन विच डेट वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर आंसर बी ट्वेंटी जून रिसेंटली विच इंडियन पर्सन हैज बिकम द न्यू सी ऑफ अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरी जोन आंसर बी नारायण संपथ वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कंपिटेटिवनेस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू रिलीज बाई आई एम डी आंसर बी थर्टी सेवन बिटवीन विच टू सिटीज द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन हैज बीन ऑपरेटेड अंडर द भारत गौरव योजना ये दो शहर है कोयम्बतूर टू सिरडी कोयम्बतूर टू शिरडी चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं रिसेंटली विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्रूट यूथ फॉर फोर इस इन इंडियन आर्मी आंसर है अग्निपथ स्कीम रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिंट वार्निंग ऑन सिगरेट्स राइट आंसर इज सी कैनेडा द ग्रेट इंडियन मैन hari chand has passed away at the age of 16 and he was so basically he was a runner which male uh, cricketer has been awarded the icc player of the month for the month may 2022 answer angelo Matthews. sri <coughs> <coughs> si lankan player which state has become the winner of Khelo India Youth Games 2021. Answer A. Haryana. Which chess player has recently become the seventy-fourth Grandmaster of India? Answer B. Rahul Srivastava. On which date World Blood Donor Day is celebrated every year? So, right answer is B. Fourteenth June. Who has been appointed as the new MD and CEO of RBL Bank? answer c r subramania kumar recently india's first covid-19 vaccine for animals has been launched which is named named as enocovax enocovax is the right answer which has become the first asian country to lift uh, the ban on bhang right answer is uh, d thailand when is World Child Labour Prohibition Day celebrated every year? Right answer is B 12th June, which has become the first state in India to formulate a drone policy. Answer is B Himachal Pradesh. Famous female player Mithali Raj has announced her retirement from which international sport. Answer A cricket. Who has been appointed as the new managing director of SBI, replacing Aswini Bhatia? Right answer is A. Alok Kumar Chaudhary. When is the World Ocean Day celebrated every year? Answer B. 8th June. What is the rank of India among 180 countries of Global Environment Performance Index 2022? Answer. D. 180th Who has become the new chairman of International Aluminium Institute? 574. Correct answer is B. Satish Pai Recently Bajram Begaj has become the new president of which country? Answer. B. Albania On which date World Food Safety Day is celebrated every year? Answer D, 7th June. Who has received the Best Actor Award at IFA Award 2022? Answer C, Vicky Kossel. Which tennis player has won the men's singles title at French Open 2022? Answer is uh, C, Rafael Nadal. Recently, who has been appointed as the new Managing Director of Union Bank of India? आंसर बी ए मनी मेखलाई ऑन विच डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फिफ्थ जून द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू यूज विच वर्ड इन प्लेस ऑफ द वर्ड हरिजन डॉक्टर अंबेडकर In which state of India has the world's first liquor mirror telescope has been installed recently? This state name is uh, the name is C Uttarakhand. Which Indian American student has recently won the prestigious Spelling Bee competition 2022? Answer is C. Harini Lagone. Harini Lagone who has been appointed as the new chief operating officer of Facebook parent company Meta. Answer D Javier Olivian. Javier Olivian, on which date World Bicycle Day is celebrated every year? The answer is C third June. Recently the famous person Pandit. भजन सुपारी सुपोरी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ सेवेंटी फोर ही वॉज सो बेसिकली ही वॉज संतूर प्लेयर हुम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर फाइव एटी सेवन का करेक्ट आंसर इज डी राजेश गेरा राजेश गेरा इज द राइट आंसर विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स नाइंथ फाउंडेशन डे ऑन सेकेंड जून 588 का राइट आंसर इज ए तेलंगाना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एस एस बी फाइव एट्टी नाइन का करेक्ट आंसर इज सी एस एल थोशेन ऑन विच डेट वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर राइट आंसर इज सी फर्स्ट जून रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटी कृष्ण कुमार कुन्ना कुन्नाथ Has passed away at the age of 53. He was so he was a singer. Which state's 35th Foundation Day has been celebrated on 30th May 2022? Right answer is B Goa. When is the World No Tobacco Day celebrated every year? Answer B 31st May. On which date Hindi journalism? डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर आंसर बी थर्टीथ मई विच फिल्म फेमस सिंगर एंड एक्टर सिद्धू मूसेवाला हैज पास्ट अवे एट द एज ऑफ ट्वेंटी नाइन ही वॉज ए पंजाबी सिंगर आंसर ए इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट नानो नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट हैज बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली आंसर सी गांधीनगर गुजरात When is the World Mensural Hygiene Day celebrated every year? Answer: Twenty eighth May. Twenty eighth May. Which Bollywood actor has received Excellence in Cinema Award at French Riviera Film Festival? Answer: None other than Nawazuddin Siddiqui. Who has become the first Indian author to win the Booker Prize? Answer: D. Gitanjali Sri. Which cricket team has recently won the title of Ranji Trophy for the first time Answer B Madhya Pradesh Who has won the 15th edition of IPL 2022 in the final match played at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on May 29 2022 Answer is A Gujarat Titans Which state has recently decided that in all its state universities instead of governor the chief minister will be chancellor this is west bengal answer west bengal where is has india's first olympic value education program started recently answer is a odisha a odisha which has become the first metro city to get its own biodiversity answer c kolkata what is the theme of such survection 2023? 605 answer is A waste to wealth. Which institute has recently established a supercomputer named Param Porul? 606 right answer is D NIT Tiruchirappalli. Which former union minister announced that he has resigned from the International Congress party on 25th May 2022? आंसर इज सिक्स जीरो सेवन का करेक्ट आंसर इज कपिल सिब्बल कपिल सिब्बल विच कंट्री इज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू रजिस्टर ए केस ऑफ मंकी पॉक्स दिस कंट्री नेम इज यू ए हैज़ बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ डब्ल्यू एच ओ रिसेंटली आंसर सिक्स जीरो नाइन का टेड्रोस अधान अधानोम घेवरियस हुज वन द बेस्ट एक्टर अवॉर्ड एट सेवेंटी फिफ्थ केन्स फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन पेरिस फ्रांस ऑन मई ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी टू द आंसर इज बी सॉन्ग कांग हो इंडिया हेज स्लिप्ड टू वॉट पोजिशन इन द ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स तो इंडिया इंडिया गिर के आ गया चौवनवे नंबर पर The president of which country recently announced the creation of Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity in Japan? Answer is 612 ka. D. America. Which organization has honored 1 million ASA workers of India for their outstanding contribution in the advancing global health? 613 ka answer is WHO. The Supreme Court Collegium has approved the appointment of how many additional judges of allahabad high court as permanent judges so the answer is a 10 prime minister narendra modi recently inaugurated india's first 5g tested test bed for how many crores has it been set up the right answer is a 220 crores india celebrates national anti terrorism day every year on 21st May. Okay, this is this day is observed as the death anniversary of which former Prime Minister? Rajiv Gandhi. Hona yes, answer is A. Rajiv Gandhi. International Tea Day is celebrated on which date? Answer is C. 21st May. Which Indian origin businessman has been elected Mayor of London Borough of Southwark for the second time? answer is uh, 618th. answer will be a. sunil chopra. which country has been elected by the united nations general assembly in a secret ballot to replace the czech republic in the united nations human rights council? answer is d. russia. global accessibility awareness day is celebrated on which day? answer a. 3rd thursday of may the high court has cancelled famous existing Ghar, Ghar rasan distribution scheme chief minister Ghar, Ghar rasan scheme of which state government answer a delhi which institution has announced up to 30 billion dollar in aid to address food security answer 622 answer is b world bank which congress leader has been sentenced to one year imprisonment by supreme court in 3 decade old road rage case um, Answer is A Now Navjot Singh Sidhu Which country recently hosted the deep 2021 Answer C Brazil Which state or UT government is planning to launch urban agriculture policy Answer D Delhi the Punjab government has announced to increase the competition, compensation amount to families of martyrs soldiers from rupees fifty lakh to how many crores? So the right answer is D one crore. Who has been appointed as the head coach of England's white ball cricket team? So he is Matthew Mott. Which country have was offered the use of Chittagong port in Bangladesh by Prime Minister of Bangladesh? Answer D. India. What is the theme of International Museum Day 2022? Answer is uh, A. The power of museum. World AIDS day, vaccine day is observed. On which day? Six hundred thirty. The right answer is D. Eighteenth May, which Mumbai Indian fast bowler has become the first Indian pacer to take hundred fifty wickets in T Twenty cricket. Answer A. Jaspit Bumrah. Anna Kavale Duba of which country was honored with the Esther Guardian Global Nursing Award 2022? World's best nurse in Dubai. So C belongs to Kenya. यस सी बिलोंग्स टू केनिया विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो हैज अपॉइंटेड लेबर पार्टी लीडर एलिजाबेथ बोर्नी हेज कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं करेक्ट आंसर होगा बी रिसेंटली फिनलैंड एंड विच कंट्री हैव सोन इंटरेस्ट टू ज्वाइन नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो answer is d sweden recently who has been sworn in chief minister of tripura so the correct answer is manika saha on which day is world agri tourism day celebrated so answer is d 16th may which country has been elected as new uh, president of association of asian election authorities for 2022-2024 Answer is B uh, India. Kathleen Novak has been elected the first female president of which country? Answer Hungary. Who has been appointed as the head coach of England's men's test team? Head coach. 639 answer is D. Brandon McCallum. Recently, who has become the first woman officer to join the Army Aviation Corps as combat aviator? आंसर डी अभिलाषा बराक विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय वॉज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन ट्वेंटी सेकेंड मई ट्वेंटी ट्वेंटी टू सिक्स हंड्रेड फोर्टी वन का राइट आंसर इज ए टू हंड्रेड फिफ्टी एथ रिसेज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद राइट आंसर इज बी विनय कुमार सक्सेना Which male cricketer has been awarded the ICC Player of the Month for April 2022? Answer C. Case of Maharaj. When is International Day of Biodiversity celebrated every year? Answer A. 22nd May. Recently, who has been appointed as the new Private Secretary of PM Modi? Answer B. Vivek Kumar. Recently, Anthony Albanese has become the Prime Minister of which country? Answer A Australia. On which date World B Day is celebrated every year? Answer B 20th May. Recently, who has become the new CEO of Indian airline company Indigo? 648 Correct answer is C Peter Elbers recently who has become the new chairman of india's major stock exchange bse 649 ka right answer is a ss mundra on which date world hypertension day is celebrated every year answer c 17th may recently son Sekh mahmoud has been elected as the new president of which country 651 का राइट आंसर इज बी सोमालिया रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस एलिजाबेथ बोर्नी रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर वॉज इनोगरेटेड बाई मुख्तार अब्बास नकवी इन पटवाई ऑफ विच स्टेट पटवाई ऑफ विच स्टेट राइट आंसर इज सिक्स फिफ्टी थ्री का बी उत्तर प्रदेश On which date International Family Day is celebrated every year? Answer A, fifteenth May. Recently, Sheikh Mohammed bin Jayad Al Nahyan has become the new president of which Gulf country? So, answer is uh, A, UAE. Recently, which country's badminton team has won the title of Thomas Cup 2022? Answer D. India Which country's former cricketer Andrew Simons has passed away recently? Answer B. Australia Recently who has won uh, the Templeton uh, Prize for the year 2022? Answer A. Frank Wilczek Recently, who has been appointed as the new uh, chairperson of Central Board of Secondary Education CBSE? Right answer is C. Nidhi Chibbar. Who has been appointed as the new CEO of Air India recently? Answer C. Campbell Wilson. Recently, who has become the first Indian brand ambassador of French fashion company Louis Vuitton? Uh, आंसर सिक्स सिक्सटी वन का राइट आंसर इज बी दीपिका पादुकोण रिसेटली दिनेश गुणावर्धना हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री आंसर ए श्रीलंका हुज अव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेटली करेक्ट आंसर बी राजीव कुमार In which city, India's first biogas-powered EV charging station has been started recently? 664, correct answer is uh, C, Mumbai. Recently, famous uh, personality Pandit Shiv Kumar Sharma has passed away at the age of 84. Who was he? Who was he? 665 correct answer is a musician recently who has become the first state in India to provide breakfast in government schools along with midday meal. Answer is a Tamil Nadu. When is National Technology Day celebrated every year? So, answer is a 11th May recently who has become the new secretary of ministry of electronics and information technology answer a Alkes kumar sharma recently which tennis player has won the men's single title in madrid open 2022 answer b carlos carlos alcaraz recently which indian journalist has received the pulitzer prize 2022 posthumously Answer is C. Danish Siddiqui Recently the government of which state has started a loan scheme named Jivhala for prisoners in jail Answer D. Maharashtra When is the World Thalassemia Day celebrated every year? So this is celebrated on 8th May every year When is the Mother's Day celebrated every year all over India? Uh, answer is A. 2nd Sunday of May. Recently, who has become the new Managing Director of TVS Motor? Answer D. Sudarshan Venu. On which date, World Red Cross Day is celebrated every year? Answer C. 8th May. Recently, who has received the World Food Prize for the year 2022? 676 correct answer is डी सिंथिया रोजन वेग रिसेंटली विच स्टेट्स मियाँ का बाबा मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन हैज़ रीनेम्ड एज महेश नगर हॉल्ट ये राजस्थान का है राइट आंसर इज राजस्थान रिसेंटली हु हु हैज़ हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट कंचन जेंगा आंसर इज सी प्रियंका मोहिते Recently, who has won the title of World Snooker Championship 2022? Uh, Ronio O'Sullivan. Answer B. Correct answer is B. Recently, who has become the first Indian weightlifter to win a gold medal in IWF Junior World Championship? सो राइट आंसर इज 680 का राइट आंसर विल बी सी हर्षदा गरुड विच फुटबॉल टीम हैज़ रिसेंटली वन द टाइटल संतोष ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट्टी वन का राइट आंसर इज डी केरल रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री मितन योजना टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस टू पीपल सिटिंग एट होम सिक्स एट्टी टू आंसर ए छत्तीसगढ़ What is the rank of India in recently released World Press Freedom Index for the year 2022? Answer is D, one fiftieth. On which date World Press Freedom Day is celebrated every year? Mm. Right answer is C, a third of May. When did is World Asthma Day celebrated every year? Mm. Right answer is B. On the first Tuesday of month May. Recently, who has been appointed as the new advisor to Prime Minister Narendra Modi? Answer D. Tarun Kapoor. Which Indian origin person has recently become the new chief of technology, new chief technology officer of the US intelligence agency? Answer D. Nand Mulchandani. Which two states celebrated? their foundation day on 1st may 2022 answer is a gujarat and maharashtra recently which state has become the first state in india to set up a gene bank project answer is c maharashtra which date uh, on which date international workers day is celebrated every year answer is b uh, on 1st may Recently, who has been appointed as the new vice chief of Indian Army? Answer is C Lieutenant General B.S. Raju. When is world veterinary veterinary day celebrated every year? 692 correct right answer is A 30th April. Recently, who has become the first airline company in India to use Gagan technology? Answer Indigo. Answer Indigo. Recently, the former chief minister of which state, James Dringwell Rimbai, has passed away at the age of 88. 694 cancer is A. Meghalaya. Recently, which city has become the first in India to use vacuum sewer technology? Answer Agra. Correct answer Agra recently with which sport former indian female player El elvira brito has passed away at the age of 81 she used to play hockey which village has become the india's first carbon neutral panchayat recently right answer is a b palli jammu kashmir who has recently become the new ceo of new non bank lender कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल राइट आंसर इज सी विशाखा मूले विशाखा मुले हुज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ हज कमिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली राइट आंसर इज बी ए पी अब्दुल्ला कुट्टी रिसेंटली बीन सेलेक्टेड एज लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू आंसर नीरज चोपड़ा आंसर इज नीरज चोपड़ा ए सात सौ का राइट आंसर इज सी मैक्स रिसेंटली एलोन मस्क हैज एनाउंस टू बाई ट्विटर फॉर हाउ मेनी बिलियन डॉलर चौवालीस बिलियन डॉलर आंसर ए ऑन विच डे डेट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली सात सौ दो का राइट आंसर इज बी 26th April In which city, Union Minister Anurag Thakur has recently inaugurated second edition of Khelo India University Games? Answer, Bangalore. Answer is Bangalore. Recently, the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, has demanded the tag of state-sponsored terrorism for Russia from the President of which country? Answer is A. America. A. America. What is the rank of India in terms of military expenditure according to the recently released SIPRI report for the year 2021? Answer is B. Third. Recently, the former president of which country, Mawai Kibaki, has passed away at the age of 90. Answer is A. Kenya. Kenya is the right answer. Who has been appointed as the new vice chairman of Niti Ayog recently? Answer is D. Suman Beri. When is World Book Day celebrated every year in the world? Answer C 23rd April. Recently, who has been appointed as the new principal scientific advisor to PM Modi? Answer is Correct answer is Bimal Chaturvedi. Huh? No. Ajay Sood. Recently, the famous writer of which language, Bina Pani Mohanty, has passed away at the age of 85. Right answer is A. Uriya. Recently, who has become the first district in India to have a library in every village? Answer B. Jamtara, Jharkhand. On which uh, date, World Malaria Day is celebrated every year? 25th april. when is national people's day celebrated every year all over india? right answer is b, 21st april. recently the player of which team kieron pollard has retired from international cricket? he was from west indies. kieron pollard. recently who has become the new country head of technology company vipro in india? Answer D. Satya Iswaram. Recently, which state has become the first state in India to establish L Root server at the state level? Answer D. Rajasthan. When is World Earth Day celebrated every year? Answer 22nd April. Who has been appointed as new Chief Secretary of Delhi recently? Answer is B. Naresh Kumar. Recently, in which state India's first Pune pure green hydrogen plant has been started by oil? 719 answer is A. Assam. Recently, who has been appointed as the new MD and CEO of the insurance company Digit Insurance? Answer is A. Jasleen Kohli. Recently, who has become the new president of Indian Pulses and Grains Association? Answer is B. Bimal Kothari On which date World Liver Day celebrated every year? Answer 19th April Recently Praful has passed away at the age of 83. He Who was he? He was a lyricist. Recently who has been appointed as the next Chief of Army Staff of India? Answer is uh, करेक्ट आंसर सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फोर का डी मनोज पांडे रिसेंटली इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट रेडियो चैनल फॉर ब्लाइंड हैज़ बीन लॉन्च नेम्ड रेडियो अक्स आंसर इज नागपुर विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स सेवेंटी फिफ्थ फाउंडेशन डे ऑन फिफ्टींथ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट आंसर इज सी हिमाचल प्रदेश वेन इज वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर आंसर सी फिफ्टींथ अप्रैल विच कंट्री हैज रिसेंटली गॉट द होस्ट ऑफ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आंसर इज बी इंडिया रिसेंटली वन द ऑनर ऑफ ई वाई entrepreneur of the year 2021 answer d falguni nair on which date world heritage day is celebrated every year answer a 18th april when is world hemophilia day celebrated every year world hemophilia day celebrated every year on 17th april tamil nadu government has recently announced to celebrate which date every year as Equality Day? Answer A, 14th April. When is World Voice Day celebrated every year around the world? Answer A, 16th April. When is Ambedkar Jayanti celebrated every year across India? Answer B, 14th April. Recently, which male player has received honor of? ICC player of the month for March 2022? Answer B Bawar Rajam Recently, who has become the new chairman of UPSC? Answer A Dr Manoj Soni. Recently, Sahwaj Sharif has become the new prime minister of which neighboring country of India? Answer Pakistan. Pakistan. Recently, who has become the first player to be retired out in ipl cricket uh, answer d ravi aswin which driver has recently won f1 australian grand prix 2022 answer c charles leclerc recently which country has become the first country in the world to give legal rights to wild animals आंसर सी इक्वाडोर वैन इज नैशनल सेफ मदरहूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया आंसर डी एलेवेंथ अप्रैल रिसेंटलीज ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड सेवन हंड्रेड फोर्टी टू का राइट आंसर इज डी नरेंद्र मोदी वैन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेब्रेटेड एवरी ईयर Answer B on 10th April. On which date World Health Day is celebrated every year? Answer B, 7th April. Who has won the best new artist award at the 64th Grammy Award? Answer D, Olivia Rodrigo. Recently, which tennis player has won the men's singles title in Miami Open 2022? Answer A, Carlos Alcaraz. Which cricket team has recently won the title of ICC Women's World Cup 2022? Answer is B, Australia. Recently, who has been appointed as the new managing director of Delhi Metro Rail Corporation? Answer A, Bikas Kumar. Recently, who has been given Saraswati Samman for the year 2021? Answer is uh, C. Ramdars Misra. Recently, Viktor Orban become the Prime Minister of which country for the fourth time? Answer C. Hungary. Who has won the Best International Feature Film Award in 2022? Answer C. Drive My Car recently pramod samant has become the chief minister of which state for the second time in a row pramod samant answer goa goa which indian player has recently won the women's singles title in the swiss open badminton championship 2022 answer b pv sindhu recently which day has been announced by central government to celebrate as national dolphin day डॉल्फिन डे के लिए पांच अक्टूबर आंसर बी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिसेंटली आंसर बी विनय मोहन क्वात्रा रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एन ए बी एच नभ आंसर सेवन फिफ्टी सिक्स का राइट आंसर इज बी महेश कुमार महेश वर्मा Recently, who has become the new Director General of Geological Survey of India? Answer: C. Doctor S. Raju. Who has recently won the BBC's Indian Sports Woman of the Year award? Answer: 758. Correct answer is C. Meera Chanu. The birthday of Anandi Gopal Joshi is celebrated all over India on 31st March. C. Vaj. ज सी सी वॉज इंडियन फर्स्ट वुमेन डॉक्टर वेन इज राजस्थान डे सेब्रेटेड एवरी ईयर सेवन हंड्रेड सिक्सटी का राइट आंसर इज बी थर्टी मार्च थर्टी मार्च विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हेज रिसेंटली बिकम द न्यू सीईओ ऑफ अमेरिकन कुरियर सर्विस कंपनी फेड एक्स आंसर इज बी राजू सुब्रमण्यम When was the foundation day of Reserve Bank of India celebrated? Seven sixty two. Correct right answer is A. First April. The foundation day of which state is celebrated every year on first April? Seven sixty three. Correct right answer is A. Odisha. Recently, who has become the highest wicket taker one hundred seventy one in IPL cricket till date? आंसर डी ड्वेन ब्रावो रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट भीम बहादुर गुरुंग हैज पास्ट अवे एट द एज ऑफ नाइंटी थ्री आंसर ए सिक्किम इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट स्टील रोड हैज़ बिन बिल्ट रिसेंटली आंसर डी गुजरात स्टील रोड मेडलिन अल्ब्राइट द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री has recently passed away at the age of 84. answer, america. america is the right answer. which state has topped under the best state category in the third national water awards? answer, 768 The right answer is a uttar pradesh. Which, with which organization the book indian agriculture towards 2030 was released by niti ayog? so, right answer is b. FAO, which state Jinkwing Jari or Living Root Bridge has been included in the tentative list of the World Heritage Site of UNESCO? 770 right answer is A Meghalaya. India's first world peace. India's first world peace uh, center is being built uh, being established in which city of country? आंसर सी गुरुग्राम इन विच इट ऑफ इट्स डिवीजन इंडियन रेलवेज हैज कमीशन द फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आंसर आसनसोल आसनसोल इज द राइट आंसर इन विच इंडियन सिटी द फर्स्ट रोड प्रोजेक्ट मेड ऑफ वेस्ट स्टील हैज स्टार्टेड। आंसर सेवन सेवेंटी थ्री का राइट आंसर इज ए सूरत which state has topped in niti ayog export preparedness index 2021? answer c. gujarat, which indian state is all set to become first state in the country to introduce carbon-neutral farming for better soil health? Uh, answer is b. kerala. which institution has issued the world's first world wildlife conservation bond, wbc? आंसर बी वर्ल्ड बैंक प्रलय मंडल वाज अपॉइंटेड एज इंट्रीम एम डी एन सी ऑफ विच बैंक आंसर ए सी एस बी बैंक ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच बैंक टू प्रोवाइड फुली ऑटोमेटिक ऑटो लोन्स आंसर ए एच डी एफ सी बैंक व्हाट इज द टोटल लिमिट ऑफ यू पी आई लाइट बैलेंस फॉर फॉर ऑन डिवाइस वॉलेट 779 ka answer is B, rupees 2000. Which is the first state in the country to use crop diversification index? Answer B, Telangana. With which northeast country has Germany signed an energy pact to reduce the dependence on Russia? Answer B, Qatar. Name the cargo ship that has become the largest longest ever to sail on the brahmaputra river answer c mb ramprasad bismil india's first virtual smart knowledge center has been developed by which company answer c power grid wrist assured is autobiography of which former cricketer answer जी आर विश्वनाथ जी आर विश्वनाथ हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड आंसर करेक्ट आंसर इज बी देवेंद्र झाझरियाज अनाउंस्ड एज द ट्वेंटी थर्ड लेटेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया आंसर सी प्रियंका नुटकी In which country the Mahatma Gandhi Green Triangle was inaugurated by Embassy of India as part of India's Ka Amrit Mahotsav Festival? 787. The correct answer is C. Madagascar. Which country was the largest exporter of arms during 2017-2021 as per SIPRI report? Answer A. United States of America. Recently, which ministry has organized All India Programme Jharokha? answer d both b and c that is ministry of textile and ministry of culture in which state of india will the country's first international furniture park be built answer c tamil nadu in which city the country's first drone school has been inaugurated recently answer a gwalior in which state is the world's tallest statue of lord गौतम बुद्धा बींग कंस्ट्रक्टेड इन स्लीपिंग पोस्टर आंसर बिहार बिहार के बोधगया में इन विच कंट्री विल द फिफ्टी फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बी हेल्ड ऑन इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू आंसर ए वियतनाम द इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एम आर सैम बोलते हैं शॉर्ट में हैज़ बिन डेवलप्ड बाई डी आर डी ओ इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री ये पार्टनरशिप कंट्री है इज़राइल विच इंस्टीट्यूट हैज़ सेटअप न्यू इन इंटर डिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर नेम्ड एक्वा मैप टू सॉल्व वाटर प्रॉब्लम्स इन इंडिया इसका आंसर है बी आई मद्रास विच फिल्म हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट नाइंटी फोर्थ एकेडमी अवार्ड्स ये फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग आंसर सी आंसर इज सी

विच कंट्री इज अनाउंस टू ऑनर द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंसकी विद इट्स टॉप स्टेट ऑनर आंसर चेक रिपब्बलिक विच रेलवे जोन हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो जू टर्मिनल आसन सोन वाला है आसन सोल वाला आंसर है इसका ए ईस्टर्न रेलवे जोन हुज रिसेंटली वन द इट्स फर्स्ट इंडियन सुपर लीग आई एस एल टाइटल ये हैदराबाद है एफ सी ज बिकम द न्यू एम डी एन सी ओ ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया रिसेंटली आंसर बी हिसासी विच हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू हिसासीमेंट नेवा प्रोग्राम रिसेंटली तो ये स्टेट है नागालैंड रिसेंटली योगी आदित्यनाथ हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर विच कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो ये दूसरी बार बन गए हैं आंसर होगा ए रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी रमेश चंद्र लाहोटी हैज पास्ट अवे एट द एज ऑफ एटी वन हुज ही सो बेसिकली ही वॉज ए फॉर्मर चीफ जस्टिस हु हैज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इनका नाम है कुलतार सिंह संधावा हु हैज संधावाज वन फॉर्मूला वन बहरेन ग्रांप्रिक ट्वेंटी ट्वेंटी टू टाइटल आंसर है रिसेंटली डेनिस पार्नल सुलीवन हैज़ रिसिव एबल प्राइज़ फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन विच फील्ड इज ही अवार्ड इज़ दिस अवार्ड गिवन इसका आंसर होगा मैथेमेटिक्स सो गाइज यहाँ पर हमने जो कम्प्लीट एट हंड्रेड एट एम सी क्यू हैं स्पीडी के लेटेस्ट वाले वो कवर किया है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना शेयर कर देना दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया तो मिलेंगे अगले वीडियो में बाय बाय